और पानी पानी को छोड़ देता है। मतलब है हमें जीवन में सार वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। जैसे दो तरह का है, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। एक मक्खी एक मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करता है, फूलों को ऊपर बैठी करके केवल शहद शहद ग्रहण करता है। मक्खी क्या करता है बोलो, जितने गंदी चीज में बैठता है। मक्खी कोई अच्छी चीज में नहीं बैठेगा, वो सारे गंदी चीज में मुंह मारेगा। और मधुमक्खी क्या करेगा, हाल फूल से शहद को ग्रहण करके सुंदर एक छत्ता बना देता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, हमें मधुमक्खी बन करके सब जगह से हमें शहद ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए पहला नंबर कौन है, हंस। दूसरा नंबर में कौन, दूसरा नंबर में बताए चातक। ये एक चिड़िया होता है। ये चिड़िया की एक विशेषत्व है, ये किसी नदी का पानी नहीं पीता है, किसी तालाब का पानी नहीं पिएगा, वो तब भी पानी पिएगा जब बरसात हो। स्वाधी नक्षत्र का पानी पीता है, इसलिए ये हर समय बोलता है प्यासा हम पानी 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 करके चिल्लाते रहता है। इसका तात्पर्य है हमें जहां तक नहीं मुंह मारनी चाहिए, जहां तक हमें मुंह नहीं मारनी चाहिए। मुंह तो केवल कृष्ण कथा में ही मारो, जहां पर हरि चर्चा हो रही है। ऐसे नहीं उसकी बेटी ने ऐसे की, उसकी बहू ने ऐसे की, उसको बेटा ने फलना कर दी, वहां मुंह नहीं मारनी चाहिए। वहीं पर बैठो जहां पर प्रभु की चर्चा हो, प्रभु की कथा हो, वहीं पर बैठो जहां का मुंह मत मारा करो। चातक जैसे बनो, पिएंगे तो केवल प्रभु कथा को ही पान करेंगे और किसी चीज को हम पान नहीं करेंगे। कितना तरह हो गया बोलो, कितना तरह का हो गया, कितना तरह का, तीन तरह का हो गया, दो हुए। इसलिए एक हो गया कौन है, पहला नंबर हंस और दूसरा नंबर हो गया चातक। तीसरा नंबर कौन है, बोले मछली। कहती खीर समुद्र में ये मछली रहते हैं। मछली को देखना, उसका आंखों का जो पलक है ना, कभी झपती नहीं, उसका आंख हर समय खुली हुई रहती है। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले टकटक लगा कर एक मन से, ऐसे नहीं पास में जो बैठे हुए तो दो मुंह मार दो वहां, नहीं, कथा एक मन से एकदम आंख फाड़ फाड़ करके सुननी चाहिए, आंख फाड़ फाड़ कर कथा सुननी चाहिए। ये तीसरा नंबर है। बोले ये चौथा नंबर कौन है, हैं कहते चौथा नंबर है तोता। हाँ तोता, ये तोता में एक विशेष गुण है, वो किसी खट्टा फल में और किसी कच्चा फल में कभी चोंच नहीं मारेगा। उसको पता है कौन सा फल मीठा है, कौन सा फल कच्चा, उसको पता है। वो मुंह मारेगा तो वो पका हुआ फल में ही मुंह मारेगा। इसका मतलब है मुंह मारे तो भगवान की प्रेम कथा में, प्रभु जी की चर्चा में मुंह मारो, जहां तक मुंह नहीं मारनी चाहिए। इसलिए चार तरह का अच्छा श्रोता, और मधुमक्खी भी एक है, पांच समझो। और चार तरह का साधारण श्रोता है, कनिष्ठ श्रोता है। पहला नंबर है भुरुण। ये एक चिड़िया रहता है हिमालय में। इसकी एक विशेषत्व है, आप इसको जैसे बोलो ना, ठीक वैसे तुम्हें सुना देगा, जैसे सुनेगा वैसे तुम्हें सुना देगा। लेकिन जब वो करेगा, वो पूरा के पूरा उल्टा करेगा, सुनेगा सुना भी देगा लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर को वो उतारेगा नहीं। कहती ये भुरुंद है। बोले दूसरा नंबर कौन है, बोले ये भेड़िया। ये छोटे जाति का बाघ होता है, उसको पता है हिरण को मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, वो हिरण को ऊपर में कब आक्रमण करता है। हिरण अगर कोई सुलीली शब्द को सुने ना, उसका कान खड़ा हो जाता है। जब कान खड़े करके वो कोई सुलीली शब्द को सुनता है, उसी समय में ये भेड़िया उसको ऊपर में आक्रमण करता है। बोले मतलब क्या है, कहते ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो एक मन से कथा सुनते हैं, कान को खड़े करके कथा सुनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं पास में बैठने वाले, उसको कथा सुनने नहीं देते हैं, बिना कारण के उसको साथ में बात करने लग जाते हैं। तेरे घर में क्या बनाए थे, तेरे घर में क्या हो रहा था, मतलब खुद सुनेंगे नहीं और दूसरों को सुनने
रहती है भेड़िया, मतलब तीसरा नंबर का ऊंट। आप लोग ऊंट देखे हो, कौन कौन ऊंट देखे हो? सबके सब देखे हो। आप देखना ऊंट को, कोई सुंदर सुंदर कोमल कोमल कोई पत्ते दो, बढ़िया आम की बढ़िया मीठा मीठा, लेकिन वो पता नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा भैया बबलू का पेड़ कहाँ पर, कांटा की पेड़ कहाँ, उसका मुंह से खून निकलेगा कांटा के पेड़ खा करके, लेकिन अपना खून कोई पीता रहता है, बोलता है कि आप बढ़िया है। मतलब है जो भगवान की प्यारी प्यारी, भगवान की मीठी मीठी कथा नहीं सुन करके, जहाँ पर कंटा है ना वही, मतलब केवल जो दुनिया दुनिया की चर्चा करेगा, और दुनिया की चर्चा में धूप एक बताए ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रहत होता। आप संसार की कोई भी आप चर्चा करो दुखी दुखी, लेकिन प्रभु की चर्चा सुनो आनंद ही आनंद है, रसी रस है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ये ऊंट। कितना तरह का हो गया, भुरुन भेड़िया, और हो गया तीसरा नंबर हो गया ऊंट हो गया, कितना तरह, तीन तरह का हो गया। कहते ये चौथा तरह का कौन है, कहते बैल। अब बैल को आप बड़े सुंदर सुंदर मीठा मीठा फल दो और उसका भूसा दे दो हैं, लेकिन वो दोनों को बराबर मानते हैं। मतलब क्या, प्रभु की चर्चा हो नहीं तो दुनियादारी की चर्चा हो, दोनों को जो बराबर मानते हैं। कहते ये कौन है, कहते बैल है हैं। इसलिए कहते चार तरह का जो श्रोता, ये निकृष्ट श्रोता, ये सही श्रोता नहीं। कहते कथा कितने तरह का, बोले चार तरह का कथा है। कितने तरह का, चार, बोले एक सात्वी, एक राजसी, एक तामसिक और एक निर्गुण। कहते ये चार तरह का कथा है। बोले राजसी कथा किसको कहते हैं, बड़ी ठाड़ बाड़ से हमने कथा की आयोजन की, सारा दुनिया को बुलाए, हम भागवत कथा इतने लाख रुपया दे करके हम भागवत कथा करा रहे, सारा दुनिया को बुलाए, लेकिन मूल क्या है, बैठ करके एक मन से कथा सुनना, यही कथा करने का तात्पर्य है। लेकिन वो इतना व्यवस्था व्यवस्था में, कौन आया कौन खाया कौन रहा, किसको चाय पानी मिला कि नहीं, हाँ नहीं तो किसका तो झगड़ा हो गया, हम घर में आए हमको ठीक से रखवाया नहीं, बस उसी की चक्कर में जो पड़ करके रह जाए। लेकिन जो मूल है कथा सुनना, लेकिन वो कथा नहीं सुन पाते हैं, कहते ये राजसी कथा, इसको कथा नहीं कहते हैं। कहते हैं, और दूसरा नंबर कहते तामसी कथा, जैसे सात दिन तक कथा हुई, कभी कथा को लास्ट में आए, नहीं तो कथा जब बीच में आए हैं, बीच में आए कभी बैठ करके सुने मन ही नहीं लगा, बोले चक्कर लगा करके आ जाते हैं। किसी तरह से सात दिन को किसी तरह से बिता देना, कहती ये तामसी कथा। बोले सात्विक की कथा एक महीना हो दो महीना हो कथा तो सुने, लेकिन उसको बात करके कथा से कोई मतलब नहीं, सही कथा किया निर्गुण कथा किया है। बोले निर्गुण कथा उसे कहते हैं, बोले सदा सेव्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रय। बोले सही कथा है जिसने कथा को ही अपना जीवन बनाया, जिनकी कथा ही अपना जीवन ही कथा है, रोज अपना घर में समय से उठे हैं, टाइम से सोए और टाइम से उठे, ऐसे नहीं एक दो बजे तक टीवी देखते रहे, उल्टा पुल्टा चीज देखे सोए और उठे तो ना दस बजे उठे, इसलिए टाइम से सो और टाइम से उठो। सबसे पहले उठकर क्या करो, नहा धो करके अपना तिलक लगा करके ठाकुर जी का आरती उतारो, ठाकुर जी का स्नान करवाओ, ठाकुर जी का भोग लगवाओ, और नियम करके गीता हो भागवत हो रामायण हो नियम बनाओ, रोज एक अध्याय ग्रंथ को रोज पढ़ो, रोज नियम करके पढ़े, नियम करके तुलसी परिक्रमा करे, नियम करके अपना हरिनाम को जप करे, जिसने अपना जीवन को ही प्रभु का भक्तिमय बना दे, और घर में जो कुछ काम करे ठाकुर जी को सेवा मान कर, घर में झाड़ू लगाए कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, भगवान के दरबार में, ये घर नहीं ये किसका घर है, किसने दिया घर,
ठाकुर ने दिया है। गोपियां क्या घरवार छोड़कर साधु बन गई थी, गोपियां भी घर में थी लेकिन कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त उनको कहलाते हैं। बोले क्यों? बोले घर में रहते हुए भी और जो कुछ करते थे प्रभु के लिए करते थे, हाथों में जो करते थे ठाकुर जी की सेवा मान करके करते थे और मुंह में क्या करते थे भगवान की नाम जप करते थे। इसलिए महाप्रभु बोले कि शयने की भोजने की बा जागरणे आहर में सचिंतन कृष्ण बोलो वदन, सोते उठते जगते क्या करो, क्या करो भगवान की नाम लो हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की, ठाकुर जी की करोगे कि नहीं? हाँ, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो छोड़ने का जरूरत नहीं। क्यों? क्या करो? भगवान से जोड़ दो, ठाकुर जी से जोड़ दो। बोले काम को, गोपियों ने कृष्ण को काम उठा तभी तो कृष्ण को प्रेम की, इनके हृदय में कामना थी तभी तो कृष्ण को प्रेम की, इसलिए उन्होंने काम को किसको साथ में जोड़ दिए? कृष्ण से जोड़ दिए, बस कृष्ण जी। क्रोध है छोड़ो, हनुमान संत है कि नहीं बताओ? हनुमान संत है कि नहीं? कितने बड़े संत हैं, उनको क्रोध करनी चाहिए लेकिन उन्होंने क्रोध दिखाया। बोले कब? ये रावण सीता को उठा करके लिया। बोले माँ सीता को तुमने उठा करके ले लिया, पूरा लंका को जला दिया और कितने दैत्यों को उन्होंने मार डाले। इसी जगत में एक व्यक्ति को मार डालो ना आजीवन कारावास हो जाएगा, लेकिन हनुमान लंका में जा करके कितने दैत्यों को मार डाले लेकिन प्रभु खुश हो कि नहीं, भगवान राम खुश हुए कि नहीं, प्रसन्न हो गए प्रभु राम। हाँ, क्रोध है भक्ति की कोई प्रतिकूल वस्तु में क्रोध दिखाओ है। लोभ, लोभ बहुत गंदी चीज है, लोभ बहुत गंदी चीज है, लेकिन आम लोग का अंदर में लोभ है तभी तो घर छोड़कर यहाँ तक आए। क्यों? कथा सुनने के लिए। बोले लोभ को कहाँ पर लगाओ? ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, ठाकुर जी की बढ़िया सुंदर श्रृंगार करेंगे, ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया भोग लगवाएंगे, ठाकुर जी की सेवा, लोभ क्या करो ठाकुर जी की सेवा में लगा दो है, लोभ है। बोले मोह, मोह बंधन का कारण है लेकिन मोह को कहाँ पर लगा दो? बोले भगवान की गुणगान, ठाकुर जी के नाम जप करने, ठाकुर जी की भक्ति में ये मोह को लगा दो है। इसलिए यहाँ पर कहते कोई चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, किसी चीज को छोड़ मत, क्या करो हर चीज को भगवान की भक्ति में जोड़ दो और वही चीज भगवत प्राप्ति के कारण बन जाती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर बताए कथा ही अपना जीवन बना दो, अपना जीवन सर्वस्व प्रभु की भजन भक्ति बना दो। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे ही अपना जीवन को बिता देता है कहते भैया ये सही कथा सुनना, ये सही सही कथा सुनना। इसलिए गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे ये भागवत कथा की महिमा को श्रवण कर रहे थे, इसलिए ये भागवत श्रवण को द्वारा ही जी भगवत गति को और प्रभु की चरण को भक्ति को प्राप्त करते हुए ठाकुर जी का धाम को प्राप्त करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा अरे और जोर से जयकार लगा ना, बोले श्रीमद् भागवत कथा जय जय श्री राम। प्रभु जी से एक भजन सुन लो फिर कथा सुन लो।
गुरु वृंदावन बिहारी नाथ की जय जय श्री राम। ये ब्रज चौरासी को समय ये ब्रज चौरासी को समय चार गाम निजगा वृंदावन और मधुपुरी वृंदावन मधुपुरी बरसाना नंदगांव की गोपियों की जगत में जिनकी उल्टी रीत जिनके पग बंदन करो करी कृष्ण से कि वृंदावन में पड़े रहो कि वृंदावन में पड़े रहो देखी बिहारी रूप अरे पासु बराबर को करे सब धूपन को तो आइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे। अच्छा आगे आगे कोई नहीं हाथ उठा रहे और नहीं जाएगा। अच्छा वृंदावन में लोग क्या बोलते हैं वहां एक जोर के आवाज लोग ने भी आगे क्या बोलते हैं आगे प्यार से बोलेंगे एक जोर से राधे राधे वृंदावन। तो सभी लोग वृंदावन कैसे जाते हैं वहां नाचते कूदते भय जाते हैं ऐसे नहीं। हम लोग वृंदावन रहते हैं देखते हैं कभी दिल्ली से कभी मद्रास से कभी गुजरात से सब अलग अलग भाषाओं में कीर्तन करते भय नाचते कूदते भय गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते लगाते हैं कि नहीं। आप लोग कौन कौन देखे हैं नाचते कूदते भय देखो सभी लोग देखे हैं। तो आइए सभी नाचते कूदते भय वृंदावन चलेंगे। क्या वृंदावन धाम जो है वो अपार है जिसकी वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। तो आइए सभी लोग नाचते कूदते भय ताली बजाते भय मधुर मधुर गाते भय चलेंगे। क्या वृंदावन धाम अपारी रटे जा राधे राधे तेरे वृंदावन धाम अरे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 राधे।
पूजा है। देखो हमारे वृंदावन में रसिक संत लोग कहते हैं, सभी आगे आगे आ जाए, आगे आगे आ जाए, बहुत लोग आ जाए। हाँ, तो हमारे वृंदावन में संत लोग कहते हैं कि कीर्तन में ताली बजाने से क्या होता है, उन्हें पाप निकल जाता है, उन्हें एक दूसरे संत बोले कीर्तन में जहां देखो वही कहते हैं ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। आखिर ताली बजाने से होता क्या है, तो दूसरे संत बोले कीर्तन में ताली बजाने से पाप निकल जाता है। तो बोले पाप निकल कर जाता तो जाता कहां है, उसको तो रहने के लिए जगह चाहिए। तो दूसरे संत बोले कि वो कहीं नहीं जाता है, बोले जो कीर्तन में ताली बजाते हैं उनका पाप निकल कर उनके सर में बैठ जाता है जो ताली नहीं बजा। तो आप लोग सोचे क्या करेंगे, ताली बजाएंगे कि पाप बैठ रहा है, ताली बजाएंगे तब तो ताली बजा कर क्या बोलना है। हाँ, सभी बोले कि कीर्तन गाएंगे, अरे वृंदावन था Thank you.
मोदी जी, उनका नारा क्या है? सबका साथ और सबका विकास। और एक नारा है क्या? ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। क्या? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो एक व्यक्ति ने बोला कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे तो फिर ये 8 करोड़ बाथरूम क्यों बना रहे? अरे व्यक्ति खाएगा तभी तो बाथरूम में जाएगा। ये 8 करोड़ बाथरूम क्यों बना रहे जगह जगह? तो प्रधानमंत्री जी का ये नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और हमारे श्रीमद नित्यानंद प्रभु जो नवद्वीप है, कौन कौन नित्यानंद प्रभु को जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कौन है? तो नित्यानंद प्रभु का नारा यह है क्या कि एक बंगाली में पद है, मेरे छोट पड़ोसी का नाम कागली की प्रेम देवे ना, मारते हैं तो आरो मारो एक बार नीचे हरी मारो। मतलब क्या है? ये बंगाली में है लेकिन हिंदी में इसका कर रहा हूं। नित्यानंद प्रभु को जगह मधाने कलसी कलश का कला मारा था माथे पे, तो खून निकल रहा था, लेकिन इतने दयालु है हमारे नित्यानंद प्रभु, बोले मारा है कोई बात नहीं और मारो, लेकिन एक बार तुम हरी बोलो भले से वृंदावन बिहारी की। तो इसलिए ये नारा है नित्यानंद प्रभु का, मारा है और मार लो लेकिन एक बार हरी बोलो बोलो। तो आप लोग अभी क्या बोलेंगे वृंदावन में? लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे। कौन कौन बोलेंगे प्रेम से? सभी लोग बोलेंगे राधे राधे। तो आइए एक बार सभी लोग हाथ उठा लीजिए थोड़ा, और हाथ उठा कर नारा लगाना क्या है? राधे। क्या बोलना है? आज व्रत है क्या? बहुत धीमी आवाज आ रही है, एकादशी तो नहीं? अरे भाई नहीं, व्रत है क्या बोलते हैं? प्रेम से बोलेंगे सब लोग ताली बजाकर, सभी हाथ उठा लेंगे एक बार, और प्रेम से क्या बोलना है? प्रेम से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे
उह्यन्ति जत सूरयो तेजो परिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गमृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्री सुखदेव गोस्वामी जब ये भागवत को प्रारंभ करते हैं वो तीन श्लोक को द्वारा मंगलाचरण करते हैं। कहते मंगलाचरण मतलब क्या है, बोले कोई भी शुभ काम करो अगर मंगलाचरण को द्वारा करो ना वो काम तुम्हारी अच्छी तरह से काम बन जाता है, इसको मंगलाचरण करते कहते हैं। इसलिए जो पहला श्लोक है बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ का इष्ट कौन है, आराध्य कौन है, बोले सत्यंग परम धीमहि। कहते इसका जो इष्ट है ना वो परम सत्य जो भगवान है, इसलिए कहते ना सत्यमेव जयति, सत्य का ही जय, धर्म का ही जय। बोले वो परम सत्य कौन है, बोले ये भगवान कृष्ण ही ये परम सत्य है, हाँ ये कृष्ण ही ये परम सत्य है। बोले क्या अकेले कृष्ण परम सत्य ना और कोई है, बोले नहीं केवल कृष्ण नहीं, कहते उनको साथ में उनकी जो स्वरूप शक्ति उनकी पराशक्ति लादिनी शक्ति जो राधा रानी, कहते राधा जी को साथ में हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन तो वाक्य बिहारी का राज्य है लेकिन वहां पर जाओ किसी को भी कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा, वहां पर किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहां पर सबके सब श्री ईश्वर जी का राधा जी का नाम लेते हैं। बोले क्यों, बोले राधा रानी बड़ी दया, राधा रानी कृष्ण तो तीन जगह से टेढ़े हैं, उनकी भक्ति भी टेढ़ी है, बड़ी टेढ़ी की लिए वृंदावन का गली भी टेढ़ी है, सब टेढ़ी। इसलिए एक भक्त ने कहा तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरी टेढ़ी यमुना तेरो टेढ़ो, टेढ़ो रे टेढ़ो तेरी यमुना तेरी जसोदा लो करिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। इसलिए भगवान कृष्ण टेढ़े टेढ़े लेकिन हमारे किशोर जी को देखो टेढ़ी है पर सिद्धि है, और राधा रानी बड़ी सिद्धि है। इसलिए राधा जी की इसलिए बोले राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु है, और राधा जी की कृपा होना तभी जा करके कृष्ण सेवा मिलती है। अगर कोई राधा जी का नाम ले, स्वयं वाक्य बिहारी कहते हैं बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात ददामि भक्ति उत्तम, अगर केवल रा अक्षर कोई बोल दिया ना कृष्ण कहते हैं मैं सब कुछ उसको प्रदान कर देता हूँ, खुद को भी उसको मैं दे देता हूँ। अगर कोई धा बोल दे राधा फिर तो मैं उसको पीछे पीछे भागने लगता हूँ। इसलिए राधे राधे रख कर चले, हाँ इसलिए राधा जी का नाम लेते ही बिहारी जी भागते भागते आते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए राधा जी को साथ में कृष्ण को पूजा करनी चाहिए, हैं? इसलिए जो कृष्ण अकेले कृष्ण को पूजा करते हैं कहते वो अज्ञानी, वो अज्ञानी है। इसलिए राधा कृष्ण तत्व तो दो नहीं वो एक ही है, इसलिए शास्त्र कहता है जा राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिर्न राधा माधव स्वरूप, मतलब जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, वो एक ही है लेकिन लीला विस्तार करने के लिए वो दो हुए, वो दो केवल इसलिए हुए लीला विस्तार करने के लिए। इसलिए ब्रह्म वैवर्त तो पुराण में बताया एक दिन गोलोक वृंदावन में कृष्ण कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए, प्रभु की इच्छा हो रही है हम लीला करें, अकेले तो लीला कर ही नहीं सकते, इतने में उनकी बाम अंग से और रास मंडल में खड़े हुए थे उनको बाम अंग से बड़ी सुंदरी बड़ी प्यारी हैं एक सुंदर एक शक्ति प्रकट हुई और रास मंडल से प्रकट हुई इसलिए उनका पहला करना, और वो प्रकट होते ही सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करते हुए कृष्ण सेवा के लिए धावित, धावित मतलब होता है दौड़ना, उन्होंने कृष्ण सेवा के लिए दौड़ी
इसलिए उनका नाम क्या हो गया रा और उनका नाम धा हो गया श्री राधा रानी की। रा मतलब क्या है बोले भक्ति, बोले धा मतलब क्या सबको जो भक्ति देती है श्रीमती राधा रानी। इसलिए जो पहला श्लोक में किसको प्रणाम करते हैं बोले श्री जुगल किशोर को प्रणाम करते हैं। इसलिए बोले अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी श्यामा श्यामा की। इसलिए ये ध्यान है। तो दूसरा जो श्लोक है कहती है प्रतिज्ञा है बोले भागवत क्या प्रतिज्ञा दिया है। दूसरे श्लोक में तीन बार अत्र शब्द आया। अत्र मतलब ये श्रीमद् भागवत में बोले भागवत में क्या है बोले धर्म प्रोजीत कैतव अत्र मतलब भागवत में कोई कपटता का धर्म नहीं, केवल भगवान की शुद्ध भक्ति की बात है, केवल प्रभु की प्रेम की बात है जिसमें धर्म अर्थ काम यहाँ तक भी मुख्य को भी यहाँ से निकाल दी गई, केवल प्रभु की भक्ति की बात बताए। और वेद्य वास्तवम मत्रम जिसमें वास्तव वस्तु भगवान कृष्ण का ही कथा। और जो तीसरा अत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कम्युनिटी हॉल में कथा हो रही है, अभी घर में तुम हो, अभी कथा में नहीं आई, घर में बैठे हो, पता चला कथा हो रही है भागवत कथा। अगर किसकी मन में इतनी सी मात्र इच्छा हो जाए मैं कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, इतनी इच्छा हो जाए लेकिन अभी कथा में नहीं आए, घर में बैठे हो, कभी ये भागवत का इतना महिमा है बोले सद्य हृदय अवरुद्ध तत्र। जैसे एक व्यक्ति स्वयं किसी एक रूम के अंदर में जाए और खुद को खुद अंदर से कुंड लगा दे, ऐसे ही केवल भागवत कथा सुनने का इच्छा मात्र से ही भगवान उसके हृदय में आकर के ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं, भगवान को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से अगर सचमुच से कोई कथा में आकर के बैठ जाए कहते वो इतने पुण्यात्मा इतने सौभाग्यवान, उनकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं जो सचमुच से कथा में आकर के बैठ गए, वो बड़े सौभाग्यवान हैं। इसलिए बताए शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, कहते भैया कथा कौन सुन सकते हैं बोले सभी नहीं सुन सकते, सभी नहीं सुन सकते बोले करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय वो तभी सुन सकते हैं। अगर कोई बोलेगा भैया हमने तो इतने पुण्य की नहीं, आप तो कहते हो करोड़ों जन्म का पुण्य से ये कथा कोई सुनेगा, लेकिन हमने तो इतने पुण्य की नहीं फिर कथा क्या नहीं सुन सकते है? बोले नहीं, केवल कथा में आकर के बैठ जाओ, कथा में बैठ जाओ बस, कथा सुनते सुनते अपने आप पुण्यात्मा बन जाओ, अपने आप तो पुण्यात्मा बन जाओगे कथा सुनते सुनते। देखो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देखो सुनो। देखो हम जितने कथा सुनाता हूँ सब कथा को याद करना और तुम्हारी अड़ोसी पड़ोसियों को सुनाना। देखो अनजान में भी भागवत कथा में एक घंटा बैठ गए तो क्या फल है, हमारे गुरु जी सुनाया करते थे। बोले एक समय कोई एक फेरी वाला था, वो फेरी का काम करते करते गांव से बड़े गुरु चला गया, सोचा शाम हो गया आज रात को ही रुक जाता हूँ, कल से यहीं से काम करना शुरू करूँगा। गाँव में पूछा भैया रात को रुकने का कोई व्यवस्था है, बोले हाँ यहाँ पर भागवत मंदिर है आप वहीं पर रात को विश्राम कर सकते हो। जब विश्राम करने के लिए गया वो गांव में एक नियम है, जैसे शाम को सारे लोग आकर बैठते हैं और मजीरा ढोलकी लेकर के थोड़ी हरि कीर्तन करते हैं और हरि चर्चा होती है। जब वो सोने के लिए गया देखा गांव के सारे लोग आ गए वहां पर तो मजीरा मृतक लेकर के बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि
कैंसिल कर दिया। बोले ये कहां से आप पता आ गया, दिन भर काम करते रहे थक गया, अभी सोने के लिए जा रहा हूँ, देखो ये सब कैसे कीर्तन करने लग गए। अभी उसकी इच्छा नहीं रहने पर भी उसमें मजबूरी में वहां पर अपना दीवार में सहारा लगा करके बोले तो बेकार का काम, टाइम पास करना है, इससे तो कोई लाभ होने वाला है। किसी तरह से बैठा और एक संतन ने थोड़ी कथा सुनाए, एक घंटा कीर्तन और कथा हो, और कथा तो सुना लेकिन आधा सोए और आधा जगते हुए। सोचा इसमें तो बेकार काम है, ये तो पूरा टाइम पास करना, जब सबके सब चले गए सो गया। अभी कुछ दिन बाद में उसकी मृत्यु आई, अभी जमदूत तो उसको पकड़ करके जमपुरी ले गए। जब महाराज चित्रगुप्त को बोला उसको काफी बोलो कितने पाप और कितने पुण्य किया, बोले महाराज जी ये तो फेरी का काम करता था, झूठ बेईमानी करके पैसा कमाया, एक पैसा भी कहीं दान पुण्य में कहीं लगाया नहीं, ऐसे ही सारा जीवन बिताया, कोई पुण्य नहीं। बोले देखो तो सही, अभी काफी खोलते खोलते बोले एक पुण्य है, और किसी गांव में गया था, वहाँ कीर्तन और कथा हो रही थी, केवल एक घंटा उसने कीर्तन और कथा में, केवल इतना ही पुण्य है। उसको पूछा भैया ये बताओ पहले पाप लोगे ना पुण्य लोगे, बोले भैया पाप तो लेना है नरक तो जाना ही है, जब पुण्य थोड़ी सी मेरे को पुण्य दे दो। बोले जाओ इसको एक घंटा स्वर्ग भोगा करके ले आना, अगर भक्ति पूर्वक कथा सुनता तो कोई विशेष फल मिलता, लेकिन वो भक्ति से कथा नहीं सुनी, भक्ति से कथा नहीं अश्रद्धा से कथा सुनी। अभी उसको लेकर के बोले एक घंटा घुमा करके ले आना, वहां पर गए जो चौकीदार था बोले भैया ये हमारी आसामी, उसको एक घंटा स्वर्ग भोगा करके वापस बुला देना। जब उसने स्वर्ग में पहुंचा देखा रंभा उर्वशी मेनका, क्या सुंदर सुंदर स्त्रियां, जैसे ईट पत्थर देकर बना हुआ सब सोने में बनी हुई, वहां लाइट नहीं एक मणि उसी से ही अपने आप लाइट निकलता है। नंदन कानन पारिजात पुष्प, वो तो देख देख दल बाबा मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं ना, सचमुच से कहीं आ गया, लेकिन केवल एक घंटा ज्यादा है ही नहीं। उसने देखा एक एक कोने में कोई जा ही नहीं रहे, बोले भैया ये क्या बात, इधर कोई क्यों नहीं जा रही। जब उस तरफ में गया देखा वहां पर श्री बामन दे, इंद्र का छोटे भाई श्री बामन दे, आगे हम कथा सुनेंगे, और वहां पर चतुसन ये प्रभु की कथा कर रहे थे, भागवत कथा कर रहे थे, और वहां जो सात्विक संपन्न लोग बैठ करके प्रभु की हरि कथा सुन रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। उसने उसको याद आया, अरे ये चित्रगुप्त तो ये बोल रहा था मैंने कहीं एक घंटा कथा सुन लिया था, कीर्तन में बैठा था इसलिए एक घंटा स्वर्ग मिला, लेकिन यहाँ भी देख रहा हूँ कीर्तन हो रही है कथा हो रही है, और अगर एक घंटा सुन लो ना मेरे तो दो घंटा स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए वो भोग क्या करेगा स्वर्ग का, उसने वहीं पर बैठ करके बस वो भी कीर्तन करने लग गया, कथा सुनने लग गया। उसको पता एक घंटा बाद में ले जाएंगे, लेकिन एक घंटा खत्म हो गया लेकिन उसको कोई लेने नहीं आ रहा है, वो समझ गया इसका कोई असर है, वो उठेगा क्या और जम कर बैठ गया। एक घंटा खत्म हो गया, जमदूत बोले भैया हमारे आसामी को वापस दो, एक घंटा हो गया। उन लोगों ने घूमे भैया वो गया कहाँ, वो कहीं मिला ही नहीं, बोले भैया गया कहाँ। देखते देखते देखा वहां पर कीर्तन में बैठा हुआ, प्रभु की कथा में बैठा हुआ है। देखो जो व्यक्ति प्रभु की कथा और कीर्तन में बैठते हैं, पता है आप कहां पर बैठे हो, ठाकुर जी की गोद में बैठे, ठाकुर जी की गोद में बैठे हो। अगर इसी समय किसकी मृत्यु आ जाए ना, आप जब तक ये कथा में बैठे हुए हो वो जमदूत गेट को बाहर खड़ा रहेगा, वो तुमको यहां से उठा करके नहीं ले सकता है, क्योंकि भगवान और भगवान की कथा में कोई फर्क नहीं। इसलिए हरि कहाँ है, बोले जहां पर हरि कथा है, और हरि कहीं नहीं केवल कथा में ही हरि है। उसने देखा भैया ये तो कथा में बैठा हुआ, ये तो कथा में बैठा हुआ। उसने जा करके बोले देखो तुम्हारे जो आसामी है ना, उसने एक घंटा कथा सुना था इसलिए एक घंटा स्वर्ग आया, बोले हाँ, बोले तो स्वर्ग भोगा ही नहीं, वो तो सीधा जाकर कथा में बैठा हुआ, अगर और एक घंटा कथा सुना तो उसको दो घंटा स्वर्ग हो गया, हम उसको कैसे उठा करके ला सकते हैं, वो प्रभु की कथा से हमारी हिम्मत नहीं। बोले भैया ये तो बड़ा चालाक निकला, वो दो घंटा तक इंतजार किया, लेकिन उसने जब देखा कोई ले ही नहीं रहे, समझ गया ये कथा की असर हो रहा है,
उसने उठाई नहीं, लेकिन दो घंटा से पहले चार घंटा तक इंतजार किए, लेकिन वो कथा से उठाई नहीं। कथा सुनने का फल क्या है? ये भागवत कहता है, बोले श्रीनताम श्री कृष्णम कथा पुण्य श्रवण कीर्तन। हम कथा किधर से सुन रहे हैं? बोले कानों से, दोनों कानों से कथा सुन रहे हैं। भगवान कथा अलग नहीं, एक ही है, और भगवान दोनों तरफ से जाकर कहाँ बैठ जाते हैं? हृदय में बैठ जाते हैं। इसलिए भागवत में बताए, जो व्यक्ति कथा सुनते हैं, भगवान उनकी कानों के माध्यम से अंदर जाते हैं, और अंदर में जाकर क्या करते हैं? उदाहरण दिया, जैसे आपका कोई प्यारा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है, तुम्हारी घर में आया, देखा वहां पर एक कुर्सी पड़ा हुआ, लेकिन कुर्सी में धूल जमा हुआ, वो आपको ये नहीं बताएगा, दोस्त तो उसको साफ कर दे, वो अपना रुमाल निकाल करके साफ करके वो खुद उसमें बैठ जाएगा। बोले हमारा सबसे बड़े मित्र कौन है? कहते ना, तुम्हें वह माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविण, तुम्हें सर्वम मम देव। जब हम कथा सुनते हैं, भगवान कानों के माध्यम से हृदय में जाते हैं। अगर हमारी हृदय में कोई गंदगी है, ठाकुर जी अपना रुमाल निकाल करके साफ करके ठाकुर जी हृदय में बैठ जाते हैं। उसने कथा सुनते 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 उसका हृदय निर्मल हो गया, वैकुंठ से उसके लिए रथ आया, और रथ में बैठते हुए सीधा भगवान का धाम हो गया, और जो जमदूत थे ना, खड़े होकर लाश में वापस हो गया। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन नेह विक्रम नाश अस्ति प्रतपाय न विद्यते सल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत मृगा। अगर मेरे लिए कोई थोड़ी सी कुछ कर देना, हे अर्जुन, उसको मैं जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त कर देता हूँ। ये भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए एक घंटा अगर अनजान में सुन करके इतना पुण्य हो सकता है, अगर कोई भक्ति पूर्वक कथा सुने तो आप जब ऊपर जाओगे ना, जब चित्रगुप्त अपना रजिस्टर निकालेगा तो सब कुछ निकलेगा, आप कैसे बैठ करके भागवत कथा सुने, सबके सब निकलेगा। इसलिए उसका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? चित्र मतलब होता है फोटो खींचना, गुप्त मतलब होता है छुप करके। छुप करके हम जो कुछ करते हैं वो अपने आप सारे फोटो लग रहे हैं, और वहां जाओगे तो, इसलिए पीड़ा कहती है ना, दिन दिन बढ़ता सबायो पायो जीने में, राम रतन लन पायो पायो जीने में, राम रतन लन पायो। ये भक्ति कभी घटती नहीं, भक्ति बढ़ती है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये बच्चा किसका बच्चा है? अपना गोद में बैठा हो, किसके बच्चा है ये? जब बच्चे को लाओ ना, सब पीछे बैठना, आगे कोई नहीं बैठना कल से, ठीक है? सब जो बच्चे लाए पीछे बैठ कर कथा सुनो। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अगर हमारी कोई सुकृति नहीं, केवल आकर कथा में बैठ जाओ और कथा सुन लो, अपनी आप तुम्हारी सुकृति बन जाएगी, अपनी आप। इसलिए भागवत ये प्रतिज्ञा करता है, अगर ये भागवत कथा कोई सुनेगा तो, सुनने का बात दूर है, बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत अनुमोदित सत्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह। देखो ये कथा की कितने महिमा, बोले श्रुत, अगर कोई बैठ कर कथा सुने, अगर ये नहीं हो, बोले अनुपठित, अगर भागवत को कोई पढ़े, अगर ये भी नहीं हो, अगर कथा कहीं हो रही है, अगर किसने इतनी सी बात बता दिया, बोले भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है बहन, मैं नहीं जा सकती हूँ, तू कथा सुनने के लिए चले जा। अगर इतना अगर कोई बोल दिया ना, कद वह व्यक्ति जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, कभी उन्होंने देवद्रोह, अगर कभी उसने विश्वद्रोह भी अगर किया तो, बोले सत्य पुनाति सद्धर्मम, अगर इतनी सी बात बोल दिया, कथा हो रही अच्छी, उसी समय में ही सारे पाप से
मुक्त होकर के भगवत भक्ति भगवत धाम को गमन करता है। ये भागवत धर्म की इतने महिमा, इसलिए एक बार भागवत का जयकार लगा जोर से, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय हो। और जोर से बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। कहते भैया भागवत आशीर्वाद क्या दे रहा है, अगर कथा सुनेंगे तो ये आशीर्वाद हमें क्या देता है। बोले निगम कल्प करोर गलितम फलम सुख मुखात अमृता द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम सबके सब कल्प वृक्ष को नीचे बैठे। कल्प वृक्ष उसे कहते हैं हम जो मांगो वही मिलेगा। अगर आप सचमुच से ये कथा सही सही सुनना नियम करके, कथा सुनने के ऐसे नियम से कथा, तो ऐसे नहीं जो कथा खत्म होने जाए तभी आए। जब सिनेमा देखने के लिए जाते हो कब जाते हो, बीच में जाते हैं ना लास्ट में जाते हो, कब जाते हो, कब जाते हो, हाँ ये सीरियल शुरू होने से पहले जाते हैं, है ना। फिर आधा घंटा खड़े रहेंगे, लाइन लगाएंगे, अगर पैसा में नहीं मिलेगा टिकट पर ब्लॉक में खरीदी करेंगे। गंदी गंदी सिनेमा क्या मतलब, सिनेमा क्या चीज, झूठी चीज ये कुछ है ही नहीं। वो एक कथा को उन्होंने रूपों का बना दिया, है नहीं कुछ, बेकार चीज को देखने के लिए जिसमें बुद्धि भ्रष्ट है और कुछ है ही नहीं, और उसको देखने के लिए आधा घंटा पहले जाएंगे लाइन में खड़े रहेंगे। घर का काम अगर 5 घंटा हो ना उसको 2 घंटा में निपटाएंगे, हैं, और 3 घंटा निकाल करके जाएंगे। अगर उसको देखने के लिए पहले जाते हो फिर कथा सुनने के लिए पहले क्यों नहीं आए जिसमें हमारे कल्याण हो। इसलिए गुरु जी कहते थे कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले हनुमान जैसे। कैसे कैसे कथा सुननी चाहिए, हनुमान जैसे। बोले मतलब क्या है, देखो हमारे गुरु जी सुनाते थे, तुलसीदास जी का नाम सुने हो, ये तुलसीदास ये राम भक्त थे। ये जब शौच क्रिया में जाते थे कि लोटे में पानी लेकर जाते थे, और शौच क्रिया के बाद में लोटे में जो पानी बच जाती थी वो गंदा पानी है, एक वृक्ष को जड़ में डाल देते थे। लेकिन वो वृक्ष में रहता था एक भूत प्रेत रहता था, लेकिन जो प्रेत है ना कोई शुद्ध पानी को नहीं पी सकता है, वो अपवित्र पानी को ही वो पीता है। इसलिए नियम है कपड़े को गीले गीले नहीं सुखानी चाहिए, कपड़े को गीले गीले नहीं उसको निचोड़ करके सुखानी चाहिए, उसमें भी जो पानी टपकता है वो भी भूत के पान करता है, इसलिए वो अपवित्र पानी को पान करता है। एक दिन वो भूत स्वयं प्रकट हुआ, बोले तुलसीदास तेरे पानी को मैं पी पी करके जीवन धारण करता हूँ, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ, मेरे से कुछ वर मांगो। वो संतुष्ट हो गया, बोले ये प्रेत कहता है वर मांगो, वो तो राम भक्त हैं, वो चालाक भक्त होते हैं, बोले दे सकते हो, बोले हाँ, बोले राम लक्ष्मण का दर्शन करा सकते हो, राम लक्ष्मण का दर्शन करा सकते हो। बोले भैया अगर मैं तेरे को राम लक्ष्मण दर्शन करा सकता था फिर तो मैं ये भूत क्यों बन करके पड़ा हुआ, पहले तो मेरी निदान हो जाता। बोले फिर, बोले उसका मैं उपाय बता सकता हूँ, बोले बताओ, बोले अमुक जगह पर जाना, देखना रोज वहाँ राम कथा होती है, कथा से पहले एक व्यक्ति आएगा एकदम दुबला पतला हुआ फट्टे फुटे कपड़े पहने हुए, कथा से पहले आएगा वो सबसे पीछे बैठेगा, ऐसे नहीं बैठेगा। देखो कथा सुनने का नियम भी होता है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तन वांग मनो भी काय मन और वाक्य से कथा सुननी चाहिए, तीनों को द्वारा। बोले शरीर से कैसे कथा सुने, जहाँ कथा होती है वो स्थान साधारण स्थान नहीं, कहते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वहीं पर निवास करते। बोले कहाँ, बोले जथा चुकादर कथा प्रसंग, जहाँ प्रभु की कथा होती है। इसलिए जाकर गए झट बैठ गए नहीं, बैठ करके सबसे पहले वो स्थान को प्रणाम करो, क्यों वो पवित्र स्थान है। उसको बाद में जो कथा कर रहे हैं जो कथा सुन रहे हैं सबको प्रणाम करके बैठो, और जब जाओ ऐसे नहीं खड़े होकर चले गए, नहीं खड़े होकर नहीं चले जाओ, ऐसे नहीं बीच में चले गए, नहीं, जब कथा विश्राम हो जाए कथावाचक
कथा सुनने वाले स्थान को प्रणाम करो और वहां का धूल अपना शरीर में लगा करके जाओ। ये नियम है। ये कौन कह रहे हैं? को भूत कह रहा है। पर देखना सबसे पहले का व्यक्ति आएगा, सबसे पीछे बैठेगा और प्रणाम करते हुए चरण धूल लेकर के और कथा कैसे सुनेगा? हाथ जोड़ करके और कथा सुनते समय आंखों से आंसू बहाते हुए और एक एक रोम खिलता हुआ होगा, प्रेम से गदगद होकर कथा सुनेगा। हैं? जब कथा विश्राम हो जाएगी, जब सब चले जाएंगे, फिर सबको प्रणाम करके वहां का धूल अपना शरीर पर लगा करके हो जाएगा। वो श्री हनुमत लाल है, उनकी चरण पकड़ लो, बस राम दर्शन हो जाएगा। अभी उन्होंने ठीक उसने ऐसे क्या चरण पकड़ लिया, बोले देखो तेरे को बहकाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन बहकना नहीं। उसने कहा भैया मैं तो शूद्र हूं, तो मेरे को स्पर्श कर दिया, तो अपवित्र हो गया, मेरे को छोड़ो छोड़ो। बोले मेरे को पता है आप श्री हनुमत लाल हो, संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, मेरे को बता आप श्री हनुमत लाल जी हो, मेरे को भूत ने बताया। जब बता दिया पहचान गए, बोले बताओ तेरे को क्या चाहिए? बोले मेरे को राम लक्ष्मण का दर्शन करा। बोले एक काम करो, चित्रकूट के घाट पे भय संतन के लिए और तुलसीदास चंदन जिसे कल तिलक दे रही है, तुम चित्रकूट घाट पर चले जाओ। राम लक्ष्मण रोज वहां स्नान करने के लिए आते हैं, सबको तिलक लगाते रहना, फिर प्रभु का दर्शन हो जाएगा। लेकिन तुलसीदास का जो नियम था, वो कभी सर उठा करके नहीं देखता था। जब वो चलता था सर को नीचा करके चलता था। बोले क्यों? बोले जो आंख है ना, देखना सबसे बड़ा बदमाश ये आंख है। आप देखना भजन करने के लिए बैठो, आप जो जो चीज आंखों में देखे हुए होंगे वही वही चीज याद है ना, जो जो चीज आंखों में देखे होंगे वही वही चीज तुम्हें याद आएगी। इसलिए हम आगे जा करके सुनेंगे कि इस अजामिल ने एक बार केवल गंदी चीज को उन्होंने देख लिया, एक बार उसने गंदी चीज को देख लिया तो वो कभी भूल नहीं पाया और उसने अपना पत्नी को छोड़कर बेस्या को साथ में रहने लग गया। इसलिए जो स्मार्टफोन है और कंप्यूटर उल्टा पुलटा चीज, इसलिए हमें नहीं देखनी चाहिए। ये डाइवर्स फाइवर्स क्यों इतना हो रहा है? इसी वजह से होता था, इसी वजह से सब हो रही है। हम उल्टा पुलटा चीज को देखकर मन को गंदी कर डालते हैं। इसलिए एक संत हुए जिनका नाम बिल्लो मंगल है, वो जो भजन करने के लिए गए, एक बेस्या को वो प्यार करते थे, वो बेस्या ने ऐसे ठोकर मारी, ऐसे ठोकर मारी, उसने छोड़ करके भजन के लिए गए। लेकिन फिर और एक सेठानी का प्रति आसक्ति हो गया, उसने देखा ना रहेगा बांस और न बजेगी बंसुरी, उसने उसकी कांटा लेकर के ना दोनों आंख उसने फोड़ दिया। बोले ये दुष्ट आंख ही जितना गड़बड़ी करने वाली, इसलिए उन्होंने अपना आंख को फोड़ दिया। कृष्ण स्वयं उनको लेकर के वृंदावन में लाए और उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कभी भी इन्हीं आंखों से कभी सर ऊंचा करके नहीं चलते थे, सर नीचा करके चलते थे। बोले क्यों? केवल प्यार के नीचे कोई कीड़े मकड़े नहीं आ जाए, प्यार को नीचे करते हुए चलते थे तुलसीदास जी। जब वो चंदन लगा रहे थे ना, सर ऊंचा करके नहीं, सर नीचा करके तिलक लगा रहे थे। राम लक्ष्मण तक आए, तिलक तक लगाया, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन फिर चरण पकड़े, बोले प्रभु का दर्शन तो नहीं हुआ। बोले प्रभु तो आए थे, तू सर नीचा करके बैठा था। बोले मैं सर तो ऊंचा कर ही नहीं सकता हूँ। हनुमान जी बोले कोई चिंता नहीं, मैं तेरे पीछे खड़ा रहूंगा, जब प्रभु आएंगे ना फिर मैं बताऊंगा तुम दर्शन करना। बोले ठीक है। फिर हनुमान जी पीछे बैठे रहे। जब राम लक्ष्मण आए, बोले देखो देखो ठाकुर जी सामने, तुम्हारी ठाकुर जी तुम्हारी सामने है। फिर उन्होंने सर ऊंचा किया तो उन्होंने राम लक्ष्मण का दर्शन किया। हाँ, कथा कैसे सुननी चाहिए? कैसे सुननी चाहिए? हनुमान जैसे। मतलब क्या? कथा से पहले आओ, कथा से पहले आओ और कथा को बाद में जाओ, ऐसे बीच में नहीं, लास्ट में नहीं। हम कल बता रहे थे ना, घर में सबसे ज्यादा माताओं को मुश्किल है घर में जाकर खाना बनाना, इस सबसे। लेकिन यहाँ तो प्रसाद बन ही रहा, सबको लेकर के, पति को लेकर के आओ, देवी आए तो देवता को लाओ, देवता आए तो देवियों को लेकर के आओ, हैं? दोनों को लेकर के आओ और
कथा सुना, कथा का प्रसाद भी और भगवान का प्रसाद दोनों पाओ और आनंद से जाओ। ठीक है, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए ये भागवत नहीं, यदि ये कल्पवृक्ष है, जो 7 दिन तक नियम करके सुनोगे, जो मांगोगे वही प्रदान करेगा। और प्रभु का प्रेम भी बोले अकाम सर्व काम बा वक्ष काम दारी, भागवत सब कुछ देता है, जो मांगोगे भागवत से वही देगा। लेकिन हमें क्या मांगनी चाहिए? ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की प्रेम हमें मांगनी चाहिए। इसलिए बोले ओम नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासते। अभी ये घोर कलयुग आ गया। कलयुग मतलब क्या? जहाँ कलह, लड़ाई, झगड़ा, घर घर में, भाई भाई में, बहू बहू में, ऑफिस में, देश देश में और मन मन में जहाँ झगड़ा है। अब ये कलयुग से भयभीत होकर के सौनकादि ऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले कलयुग से बचे कैसे? बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहाँ पर गिरे समझना वही पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ करके भजन करो। वो भजन कर रहे थे श्री नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य कोई गए हो? कौन कौन नैमिषारण्य गए? 1, 2, 3 और कौन जाना चाहते हैं बताओ नैमिषारण्य? हाँ, सब वहाँ एक बार ले चले। ठीक है, सबके एक बार नैमिषारण्य मतलब है जहाँ पर एक निमिष समय भी नष्ट नहीं हो, सुंदर जहाँ गंगा बह रही है। वो चक्र जाकर के जब गिरा वो एकदम पाताल में चला गया, 24 घंटा वहाँ पानी निकलती रहती है, वो पानी पवित्र पानी गंगा, वहाँ पर पास में बड़ी सुंदर गंगा बह रही है। वहीं पर ही हाँ सौनकादि ऋषियों ने बैठ करके 1000 साल तक यज्ञ कर रहे थे। लेकिन यज्ञ तक कर रहे थे लेकिन हृदय में शांति नहीं आ रहा, मन में संतोष नहीं था। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुतो गोस्वामी वहां पर आए। सुतो गोस्वामी को देख करके प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य है। बोले ये सुतो गोस्वामी कौन है? बोले ये इनका नाम उग्र सभा सुतो और इनके जो पिताजी थे इनका नाम था लोमहर सरसुत। एक दिन लोमहर सरसुत बैठ करके पुराण सुना रहे थे संतों को और भगवत इच्छा से श्री बलदेव प्रभु वहां पर आए। बलदेव प्रभु आए तो लेकिन उनको देख करके उन्होंने उठा नहीं, सम्मान नहीं किया। बोले आए बैठ जाएंगे, मैं तो अभी कथा कर रहा हूँ। उन्होंने सम्मान नहीं किया। इतने में बलदेव प्रभु को बड़ा क्रोध आया। नियम है अगर बैठ करके कोई कथा कर रहा है, अगर तुमसे कोई श्रेष्ठ साधु आए तो कथा को रख दो, कथा रख करके गुरु जी को वैष्णव को पहले प्रणाम करो, उनको स्वागत करो और बैठा, ये नियम है। लेकिन उन्होंने आदर नहीं दिया, उन्होंने उठाया एक घास और उन्होंने उनको गला काट दिया और वहां हाहाकार मच गया। वहां पर जितने साधु लोग थे बोले प्रभु आप तो इनको मार डाले, अभी हमारी हम कथा कैसे सुनेंगे? बोले कोई चिंता नहीं, उनका एक छोटा बेटा था, उन्होंने बलदेव प्रभु उनको सर के ऊपर हाथ रखे और हाथ रखते ही उनके हृदय में सारे तत्व ज्ञान स्फूर्ति हुआ। फिर उन्होंने सौनकादि ऋषियों को फिर तो उनका नाम पड़ेगा उग्र सभा सुतो। जब ये उग्र सभा मतलब जो श्रवण करते हैं उनको बड़ा उग्र मतलब बड़ा तेज, जो एक बार सुन ले सबके सब याद कर लेते हैं। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे ये उग्र सभा सुत बैठे हुए थे पीछे, लेकिन इसलिए 88,000 ऋषि वहां पर थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का जो ज्ञान है इन्होंने ही सबके सब उन्होंने ग्रहण किया, हाँ इन्होंने सबको धारण किया। अभी श्री सुतो गोस्वामी को देख करके बोले हमारे जीवन धन्य है, आज हमें संतों का दर्शन प्राप्त हुआ है। क्योंकि जीवन में जब किसी साधु दर्शन मिल जाए फिर क्या समझो, कहते ना आज मोय भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिल ही नहीं संता। इसलिए जब श्री
हनुमान जी को साथ में विभीषण की साक्षात्कार हुई, इसलिए ये विभीषण कह रहे हैं, बोले जो रघुवीर मय अनुग्रह की तो मई धर सके। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा है, तभी आज हमें संतो दर्शन मिला। इसका तात्पर्य है जब जीवन में साधुओं का दर्शन प्राप्त होना, क्या समझो भगवान की हमारे ऊपर में कोई विशेष कृपा है, तभी साधु दर्शन मिलता है। वो बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के उनका आसन दिए और बैठाए। बोले हे श्री सुत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण उपनिषद सब कुछ गुरु जी की कृपा से आपने प्राप्त होंगे। इसका तात्पर्य क्या है? वह तात्पर्य है कि जो ब्रह्म विद्या, ये जो ब्रह्म विद्या, जो भक्ति विद्या, वो अपने आप पढ़ने का वस्तु नहीं। अगर कोई सोचे अरे हमने इतना संस्कृत पढ़ा, पीएचडी किया, क्या हम अपने आप पढ़ करके समझ नहीं सकते? किसी साधु को पास में जाने का जरूरत? बोले नहीं, अपने आप पढ़ करके समझ नहीं सकते हो। जैसे समुद्र मंथन से बीज भी निकला और उससे अमृत भी निकला, अगर संतों की आशीर्वाद से गुरु परंपरा से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अमृत की प्राप्ति होगी। अगर अपने आप पढ़ोगे ना, वो बीज बीज मिलेगा। कारण है, बोले कारण है केवल वहां पर शब्द है, केवल वहां पर शब्द है। एक ही गीता है, कितने टीका, हजार टीका है। एक भागवत है, कितने टीका है। भैया इतना टीका किस बन गया? ग्रंथ तो एक ही है। कर्मी कर्मी जैसे, ज्ञानी ज्ञानी जैसे, योगी योगी जैसे, भक्त भक्त जैसे बनाया। ग्रंथ तो एक है, पर इतना अर्थ कैसे निकला? बोले कारण है वहां पर केवल शब्द, लेकिन उसका टोन नहीं। देखो ध्यान देकर सुनो, जैसे हमने पूछा आप कहाँ गए थे, किसी व्यक्ति को पूछा आप कहाँ गए थे, इसका मतलब आप कहाँ गए थे हमें पता नहीं, शब्द एक ही है। अगर मैंने पूछा आप कहाँ गए थे, इसका मतलब क्या है? आप जहाँ गए थे हमें पता है। अगर हमने पूछा आप कहाँ गए थे, मतलब आप जहाँ गए थे आप सही जगह पर नहीं गए। शब्द एक ही नहीं, लेकिन टोन का हिसाब बदल गया कि नहीं, बदल गया कि नहीं, वो अर्थ बदल जाती है। तो उसी तरह शास्त्र में केवल शब्द है लेकिन उसका टोन नहीं। इसलिए एक ग्रंथ को ऊपर में इतनी सारी टीका, लेकिन इसका जो वास्तव जो अर्थ है उसको कौन समझ सकता है? कहते केवल भक्त ही इसका समझ सकता है। इसलिए श्री स्वर्णकादि ऋषि लोग कहते हैं सुत गोस्वामी, आप गुरु जी की कृपा से ही आपने ये सारे शास्त्र का आपने अध्ययन किया, सारे शास्त्र का रहस्य आप जानते हो, इसलिए आप कृपा करके बताओ ये घोर कलयुग है जिसमें परमहंस बहुत तप रहे हैं। पहले तो लोग सत्ययुग में 100,000 साल जिंदा रहते थे, तृतीय युग आ गया 10,000 हो गया, द्वापर युग आ गया हो गया 1,000, कलयुग में हो गया 100, कलयुग में 100, अभी 100 साल भी कोई जिंदा नहीं रहते, और कुछ दिन जाएगा ना, देखना 100 से 1 सुना निकाल दो हो जाएगा 10 साल उम्र हो जाएगा, क्योंकि हर चीज हाइब्रिड से बन रहा है, हर चीज हाइब्रिड से बन रही है, इसलिए तरह तरह का रोग बीमारी, तरह तरह का ये गंदी चीज से बन रही है। इसलिए कहते कलयुग में परमायु बहुत कम है, फिर केवल इतना नहीं, बोले कलयुग में कहते बड़ा विपत्ति भी है, प्राय अल्पायुष सभ्य कला भस्मीन युगे जना, बोले मंदा सुमंद मतयो। कलयुग में जीवों का जो मति है, मन है, बड़ा मंद मति है। भजन में देखना बड़े कष्ट से कहीं भजन में मन लगना पड़ता है, लेकिन दूसरी चीज में, गंदी चीज में अपने आप मन जाता है, अपने आप मन जाता है। आप देखना गुरु मंत्र जप करने के लिए हम शुद्ध आसन में बैठते हैं, आचमन करते हैं, सारे तीर्थों को आह्वान करते हैं, पवित्र होकर के सोचते हैं 10 मिनट गुरु मंत्र जप करेंगे। आप आंख बंद कर गुरु मंत्र जप करने के लिए जाओ, बस आंख बंद करते ही वो तो अपने आप मन काम कर रहा है, किसी गोलगप्पे के दुकान में, किसी दोस्त के पास में, नहीं तो किसी सिनेमा हॉल में, नहीं तो ये मन और कहाँ चला गया, लेकिन हाथ में मुंह भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है,
लेकिन मन वहां पर है ही। इसलिए बड़े कलयुग में जीव का जो मन है ना वो इतना चंचल, इतने चंचल मन है, बड़ा कठिन है भजन में कलयुग में मन को लगाना। फिर सुभद्रता, सुभद्रता मतलब अगर पत्नी कभी सत्संग में आई, कथा सुने, ज्ञान हुआ, अगर थोड़ा भजन करना शुरू कर दे, पति बोलेगा कौन बाबा की चक्कर में तू पड़ गई, कौन बाबा जी की चक्कर तू पड़ गई, तो अब क्या भजन करना शुरू कर दिया। अगर पति अगर कहीं सत्संग में आए, अगर उनको थोड़ी ज्ञान हुआ, भजन करने लग जाए, पत्नी बोलेगी ये क्या कर रहे हो, काम करना नहीं पड़ेगा, जब देखो कंठी माला तिलक लेकर बैठे, भागवत लेकर बैठ जाते। अगर बच्चा अगर भजन करना शुरू कर दिया, थोड़ा तिलक कंठी लगा दिया, बोले ये कोई उम्र है तेरे को भजन करने का, अभी से ये सब कंठी माला तिलक किया है। अगर बेटा अगर सिगरेट फूंकता है ना, शराब पीता, बोले वेरी गुड, मेरा बच्चा तो बड़ा एडवांस हो रहा है, सिगरेट पी रहा है ना, शराब दारू पी रहा है, लेकिन अगर भजन करने लग जाए, बोले कोई उम्र तेरा है, ये कोई तेरा उम्र, अभी से तो भजन कर रहे हो। इसलिए कलयुग में इतनी उपद्रव है कलयुग में। तब उन्होंने उनको उन्होंने 6 प्रश्न किया है, और जो 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये श्रीमद् भागवत है। 6 प्रश्न में इनका जो पहला प्रश्न है, देखो अभी मैं 6 प्रश्न में बताऊंगा, फिर कल आपसे मैं सुनूंगा, ठीक है। अभी से इसका जो बच्चे लोग बैठे हुए ना, बच्चों से सब पूछूंगा, अभी अच्छे तरह से याद कर लेना, और मैं देखूंगा कौन कल मेरे को बोल पाएगा, जो बोल देगा ना ये 6 प्रश्न किया, और 6 प्रश्न का उत्तर है ये भागवत है, मैं इसको इनाम दूंगा जो 6 प्रश्न कल मेरे को बोल देना, ठीक है। मन लगा कर सुनो। जो पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिले। इसलिए आज जो सवेरे क्लास हो रहा था ना, उसका भी यही था, सर्च फॉर हैप्पीनेस। आप देखना हम जो कुछ करते हैं शांति के लिए, लेकिन सुख के लिए, लिखाई पढ़ाई क्यों करते, शांति सुख के लिए, नौकरी क्यों करते, शांति सुख के लिए, शादी शुदा क्यों करते, शांति के लिए, बच्चे जन्म क्यों देते हैं, शांति के लिए, हैं, सब कुछ शांति सुख के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन एक आश्चर्य चीज देखना, सबके सब तो सुख शांति के लिए करते हैं, अगर थोड़ी समय के लिए अगर शांति आ भी गया ना, थोड़ी समय में देखो फिर काम गए, फिर कहीं चला जाता है, वो रहती नहीं। इसलिए जगत में सबसे बड़ा जो अनमोल वस्तु क्या है, शांति। अगर हमारे पास में अरब खरब रुपया, लेकिन शांति नहीं, वो पैसा की कोई महत्व है। हमारा आलीशान जैसे मकान, राजमहल जैसे, लेकिन घर में शांति नहीं, वो मकान का कोई महत्व ही मकान की, खूब संसार दुनियादारी खूब है, लेकिन शांति नहीं, उसका कोई महत्व है। लेकिन अगर 2 रोटी में अगर शांति मिलती है, वो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए जगत में सबसे बड़ा जो अनमोल वस्तु क्या है, क्या है, शांति। इसलिए इनका यही पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दूसरी प्रश्न क्या है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। ये सारे प्रश्न जुड़ा हुआ है। शांति कब मिलेगी, तभी जीवन में शांति मिलेगी जब तक तुम भगवान को प्राप्ति करो। बगैर प्रभु के प्राप्ति के रावण जैसे व्यक्ति को भी सुख नहीं मिला। लेकिन हमारी मन में एक भ्रम है, शायद ज्यादा पैसा कमा लेंगे ना सुखी हो जाएंगे। आपके पास में कितना सोना है, 1 किलो, 2 किलो, अभी तो मोदी सब निकाल रहा है, कितना सोने, 8 किलो, 10 किलो, इससे ज्यादा सोना नहीं होगा ना। लेकिन रावण का पूरा राजमहल ही सोना सोना, उसका किचन, डाइनिंग रूम, बाथरूम, उसको सब कुछ सोना ही सोना उसकी है। हमारी पत्नी, हम सोचते हैं कोई अच्छी किसी लड़की से शादी कर ले ना, सुंदर शादी हो जाएगी, सुख मिलेगा। जानते हो रावण का पत्नी का नाम क्या था, बोलो तो, क्या नाम था जोर से बोलो। आप पता है मंदोदरी का मतलब क्या होता है, बताओ मंदोदरी का मतलब क्या है। मंद मतलब होता है पत्नी, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर बहुत ही पतली थी। उसका पिताजी कौन थे, विश्वकर्मा। उसने सारे अच्छे अच्छे गुण को देकर के अपना बेटी को उसने बनाया था। उस समय विश्व सुंदरी थी, इसलिए उसका नाम ही मंदोदरी है। उसकी जो कमर बड़ी पतली कमर थी, अपूर्व सुंदर थी। उसका बेटा का नाम क्या था, मेघनाथ। रामायण देखे ना, जो पिताजी के लिए अपना प्राण को भी देने के लिए तैयारी हो गया,
हैं इतने, और उसने जहां से उसको सुंदरी सुंदरी अप्सरिया रख मिले उसको जोर जबरदस्ती पकड़ करके अपना पत्नी बनाई। इसलिए हम क्या सोचते हैं सब ज्यादा पैसा पाने पर सब सुखी हो जाएंगे, नहीं तो किसी अच्छी लड़की से शादी करके सुखी हो जाएंगे, नहीं तो बेटे जन्म देकर सुखी हो जाएंगे। उसका कितने बेटे थे, 1,25,000 ना कितने नाती पाती और कितने बेटे थे, लेकिन बेचैन से रहता था रावण, कोई चैन नहीं, बेचैन से रहता था। फिर सीता को उठा कर ले गया, लेकिन वहां पर केवल एक व्यक्ति चैन से जी रहा था, बता सकते कौन था? बाबा, यहाँ पर बड़े बड़े पंडित है। इसलिए वहां पर केवल एक व्यक्ति चैन से जी रहा था, वो विभीषण केवल चैन से जी रहा था। अब सबके सब बेचैन है, क्योंकि कारण है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। इसलिए यहाँ कहते हैं कलयुग में जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होना तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, मतलब भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी शांति नहीं मिली। तुम कितने धन दौलत इकट्ठे कर लोगे, कितने अच्छी लड़की से लड़का से शादी करोगे, कितने तुम दुकान मकान बना दोगे, सुखी सोच रहे हो। इसलिए दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, क्योंकि भगवत प्राप्ति से ही तुम्हें शांति मिलेगी। इसलिए दूसरी प्रश्न में उसका उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न शांति कैसे मिलेगी, दूसरा प्रश्न में उत्तर दिया शांति तभी मिलेगी जब तुम भगवत प्राप्ति करोगे, उसको पहले तुम्हें शांति मिल नहीं सकती है। तीसरा प्रश्न है बोले जीवन में क्या करनी चाहिए, बोले भैया हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। लेकिन कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन है, एक द्वारकाधीश कृष्ण, एक मथुरा से कृष्ण और एक वृंदावन का कृष्ण, हमें इस सब कृष्ण की कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान हर युग युग में प्रभु ने अवतरण लिया है, इसलिए हमें कैसे राम रूप में आकर रावण को वध किया, कैसे नृसिंह रूप में आकर के प्रहलाद को रक्षा किया, कैसे उन्होंने मत्स्यावतार में वेद को उद्धार किया, कुर्मावतार में पृथ्वी को रक्षा की, इसलिए हमें ये भगवान की अवतार की कथा सुनाओ। पंचमा प्रश्न है भगवान की अद्भुत जसों की कथा सुनाओ, भगवान की अद्भुत महिमा सुनाओ। और छठवा प्रश्न है जब भगवान ये जगत छोड़ करके गए धर्म कलयुग में कहाँ पर आश्रय किया, कलयुग में धर्म कहाँ है, कलयुग में धर्म कहाँ आश्रय लिया, बोले भागवत में। कहाँ पर आश्रय लिया, भागवत में। इसका मतलब है अगर कलयुग में अगर हम भागवत कथा सुनते हैं धर्म के भागवत को ही आश्रय लिया, ये भागवत में ही परम धर्म को निरूपण की गए। इसलिए जब उन्होंने छह प्रश्न उन्होंने की उन्होंने बड़े प्रसन्न हो गए, बोले क्यों प्रसन्न हो गए, बोले ये जितने सारे प्रश्न हैं ये भगवत के संबंध प्रश्न, कोई दुनियादारी की प्रश्न नहीं। शिक्षा देते हैं अगर संत गुरु जी के पास में जाओ ना, ये दुनियादारी की बात मत करो, बात करो तो प्रभु की भक्ति प्रभु की भजन की बात करो, वो संतुष्ट होते हैं। अगर दुनिया की बात करोगे तो क्या होगा, वो जो प्रभु की भजन में लगे हुए उनको भजन तो छुड़ा दिया, उनको दुनिया की चिंता में तुमने ले आए, गुरु जी उसमें प्रसन्न नहीं होंगे। प्रसन्न तब भी होंगे जब उसको भगवत चर्चा भक्ति कैसे बढ़े, आगे कैसे हम भक्ति करनी चाहिए, भगवान क्या क्या किसी में ही खुश होते हैं। प्रसन्न हो गए, बोले मैं सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करके तुम्हारी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। और गुरु जी को प्रणाम करते ही बोले बंदाऊं गोरो पद पदो मां परागा, बंदाऊं गोरो पद पदो मां परागा, बंदाऊं गोरो पद पदो मां परागा, बंदाऊं सुबारा सरसरसा अनुरा
मेरे गुरु जी के चरण में क्यों प्रणाम किया? ये कृष्ण खुद कहते हैं उद्धव जी को, बोले प्रथम तो गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम। हे उद्धव, मेरी पूजा करने से पहले पहले गुरु जी की पूजा करो, फिर मेरी पूजा करो। जो व्यक्ति गुरु पूजा नहीं करके डायरेक्ट मेरी पूजा करते हैं, उसका पूजा निष्फल हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनो गुरु भवन भी तरह न कोई, जो बिरिंजी शंकर समोहि। ब्रह्मा शंकर जैसे हो जाओ, अगर जीवन में सदगुरु ग्रहण मत करो, तभी तुम्हारी उद्धार नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने गुरु जी की प्रणाम किया। हाँ, देखो एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक साधु किसी गृहस्थ के घर में कथा सुना रहा था। बोले देखो भैया, अगर प्रभु का नाम लोगे ना, तो भव सागर से तुम्हारी उद्धार हो जाएगी, भव सागर से तुम्हारी उद्धार हो जाएगी। लेकिन उसको घर में एक तोता एक पिंजरा में था, उसने जोर जोर से बोला, बोले झूठ बोल रहे, ये मिथ्या, ये झूठ है, ये एकदम झूठ है। जो कथा कर रहा था बोले भैया तू ये कुछ झूठ झूठ क्यों बोल रहे? बोले तू मेरे को देख लेना, घर में जो आता है ना, मैं राम राम राधे राधे दिन भर बोलता रहता हूँ, मालिक को भी राधे राधे राम राम बोलता हूँ, ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, लेकिन अभी तक भी मेरी उद्धार नहीं। अब तू कहते हो भगवान का नाम लेने से जी भवसागर, तो बहुत बड़ी चीज है संसार बनना। उसने देखा भैया बात सही है। उसका चेला मंदिर में आया और अपना गुरु जी से ये बात बताया। बोले गुरु जी मैं तो वहां कथा कर रहा था, वो तोता ऐसे बोला। गुरु जी ने कहा बेटा मत चिंता मत कर, आज मैं चलता हूँ, जाओ तुम बैठ कर कथा सुना। फिर चेला जाकर कथा सुनाया। जो व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करता है, वो भवसागर से पार होकर के प्रभु को चरण को प्राप्त करता है। फिर तोता वही बोले झूठ है, ये मिथ्या है, झूठ है। गुरु जी ने कहा भैया तू झूठ मिथ्या क्यों बोल रहे हो? बोले आप मेरे को ही देख लो, मैं छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, जो आता है उसको राम राम दिन भर राधे राधे बोलता रहता हूँ। अभी तो वही छोटी सी पिंजरा से मेरी मुक्ति नहीं हुई, आप तो बहुत बड़ी संसार की बंधन की बात कह रहे हो। तो गुरु जी ने कहा देख बेटा, तू नाम तो कर रहे हो, लेकिन किसी सदगुरु से ग्रहण तुमने नाम नहीं किया, इसलिए ये नाम तेरे को मुक्ति नहीं दे रहा है। बोले फिर आप ही मेरे को मंत्र दे दो, आप ही मेरे को मंत्र दे दो। तो गुरु जी ने इसको कान में मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? बोले देख बेटा, जब तक तू ये पिंजरा के अंदर में रह करके राम राम कृष्ण कृष्ण करोगे ना, तेरे को मुक्ति नहीं मिलेगा। एक काम करना। बोले बताओ। बोले जब ये कथा समाप्त हो जाए, तुम एक बहाना बना, तुम ये शरीर को जैसे छोड़ दिया तो बहाना बनाना जैसे मैं मर गया। तब जब मर जाओगे उसको बाद में फिर पिंजरा से निकालेंगे तेरे को, बाद जब निकाल करके जाएंगे फिर फर कर उड़ जाना। गुरु जी ने उसको कान में मंत्र दे दिया, ये बात समझा दिया। अभी जब कथा समाप्त हो गई, इतना में जो तोता था ना, उसने बहाना बजाया, मैं बहाना बनाया, मैं तो मर गया, शरीर छोड़ दिया। लोगों ने कहा भैया ये तोता का जीवन धन्य है, इसने नहीं होगा। कहते कौन सा वृक्ष देखना? पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। विशेष कर ये वृक्षों को देखना, किसी बरगद को पेड़ को नीचे, किसी पीपल पेड़ को नीचे कभी आप ये वृक्ष नहीं देखोगे। कहां पर? किसी छत पर देखो, किसी पेड़ गोबर में देखोगे, ये पीपल पेड़ और बरगद का पेड़। और एक पेड़ होने के लिए तीन चीज चाहिए, पहले मिट्टी चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर हवा चाहिए, तभी जाकर वो वृक्ष होगा, तो वृक्ष नहीं होगा। लेकिन आप दिलाओ होता है, जिस छत को ऊपर हो गया ना, छत को फाड़ देता है, वो दीवार को फाड़ देता है वो वृक्ष, जहां पर कोई मिट्टी नहीं, कोई पानी नहीं वहां पर। बोले क्यों? बोले वो वृक्ष का एक नियम है, वो तब भी जा करके वो वृक्ष बनेगी अगर वो बीज को कोई चिड़िया खाए, वो बीज चिड़िया की पेट में जाएगा, फिर जा करके वो बीज जब वो चिड़िया बीज करता पायखाना करेगा, फिर वो बीज में इतने ताकत होता है, वो जाकर छत को भी फाड़ देता है। हाँ, वहां पर मिट्टी पानी नहीं होने पर भी वहां पर वृक्ष जन्म हो जाता है। इसलिए सिर्फ जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, हमारे घर में तो भागवत है, लेकिन यहाँ पर भी कथा क्यों सुनते हैं? कारण क्या? कारण है,
जब ये भगवत कथा को भगवत मंत्र को जो भक्ति करने वाले साधन करने वाले जब कोई साधु ग्रहण करे अपना हृदय में ये कथा को ले और उनकी हृदय से जब ये कथा निकले, इसलिए भागवत तो मीठा मीठा ही है, लेकिन बताया जब श्री सुखदेव गोस्वामी के मुंह से कथा निकली उसमें ज्यादा ताकत हो गया, वो कथा में ज्यादा पावर हो गया। इसलिए खैर हमारा हृदय शुष्क होने पर भी हृदय में भक्ति की भावना नहीं, लेकिन अगर किसी शुद्ध साधु से कथा सुना वो सूखा हृदय में भी वो भगवत भक्ति को संचार कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भले सठ सो धरे सत संगत पाई, इसलिए सठ सुधरे सत संगत पाई। एक सठ भी वाल्मीकि जैसे पहले वो दशरथनाकर था, डाकू था, इतने ब्राह्मण को उसने हत्या की, वो जन्ने से कुआ भर गया था, लेकिन एक बार नारद से मिल गए। नारद जी बोले बेटा बोले राम राम, लेकिन वो इतना पाप किया था उसको मुंह से राम नाम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते, बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म सफल। हाँ अब रामायण देखे ना, अब लव कुछ देखे होंगे, राम आने से पहले जो दशरथनाकर था वो उल्टा नाम ले लेकर के ब्रह्म जैसे बन गया। भगवान आने से पहले रामायण लिख लिया। किसका प्रभाव? साधु का प्रभाव। इसलिए यहाँ श्री सुत गोस्वामी सबसे पहले श्री गुरु जी को चरण को वंदना करते हैं। बोले श्री गुरु जी महाराज की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ देखो अभी हमारे वहां पर कुछ बच्चे हैं, हम चाहते हैं तो थोड़ी कथा सुनाए। हमारे जदुनंदन प्रभु यहाँ पर है, जदुनंदन प्रभु कहाँ है? हाँ देखो जो परसों है ना श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हम निकालेंगे, पिछली बार भी जगन्नाथ जी रथ यात्रा हमने निकाला था, इसलिए परसों संडे है रविवार है, हम लोग उसी दिन हम चाहते हैं श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाले। पिछली बार रथ यात्रा में कौन कौन थे? हाँ बाबा सबके सबके रथ यात्रा में। इस बार रथ यात्रा को हम बड़ी धूमधाम से रथ यात्रा को निकालेंगे और उसी दिन आपके सब कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आओगे? पीली रंग की, ठीक है, और कोई रंग नहीं, अगर नहीं हो तो किसी उधार करके पहनना लेकिन कौन सा रंग पहनना? ऐसे नहीं भाई लोगों को फिर परेशानी करोगे, बोले बाबा ने बताया पीली रंग की, हर बार पास पीली रंग का साड़ी नहीं, मेरे लिए पीली रंग का साड़ी खरीद कर, नहीं पीली हो तो पहनना, अगर नहीं हो तो कुछ भी पहन करके आओ, लेकिन अगर पीली रंग का हो तो कोशिश करना जैसे पीली रंग की साड़ी पहन करके और बढ़िया सज धज करके लाना, ठीक है ना। जगन्नाथ जी रथ यात्रा की बड़ी महिमा, हाँ बड़ी महिमा जगन्नाथ रथ यात्रा में, शास्त्र में बताया रथ वामनम दृष्टा पुनर्जन्म लभते, अगर रथ के ऊपर में एक बार श्री जगन्नाथ को कोई दर्शन करे तो पुनर्जन्म उसमें नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। मैं उड़ीसा का हूँ, जब हमारे देश में जगन्नाथ की रथ यात्रा होती थी इतने जगन्नाथ जी प्रसन्न क्यों रहते हैं? कारण क्या? बोले कारण है वो जा रहे हैं द्वारका से कृष्ण जा रहे हैं वृंदावन जा रहे हैं, गोपियों से मिलने के लिए, मैया यशोदा से सखाओं से मिलने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपको बहुत ज्यादा कोई प्रेम करता है आप क्या करते, उसको घर में जाओगे? बोले भैया हमको व्यक्ति बड़ा हमें आदर देता है, बड़ा प्यार करता है। उसी तरह जो ब्रजवासी लोग निष्काम रूप में केवल कृष्ण का ही प्रसन्न चाहते, कृष्ण सेवा चाहते हैं, इसलिए कृष्ण द्वारका से कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं, इसलिए कृष्ण बड़ी प्रसन्न रहते हैं, जो उनको मांगोगे सब कुछ दे देते हैं, हाँ जो मांगोगे। इसलिए मैं उड़ीसा का हूँ, जब कोई माता गर्भवती होती थी ना कभी कभी माताएं उसको मना करते थे, देखो जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने मत जाओ। बोले क्यों? बोले जब जगन्नाथ की रथ यात्रा देखोगे ना, जगन्नाथ जी का आँख कितने कितने बड़े, इतने बड़े बड़े आँख हैं, अगर उनका आँख देखोगे ना गर्भ में जो बच्चा रहता है उसको ऊपर में भी उसको प्रभाव पड़ता है, वो बच्चे का आँख बड़ी बड़ी हो जाता है, उसको ऊपर में तो प्रभाव पड़ता है, गर्भ में बच्चे के ऊपर में भी उसको प्रभाव पड़ता है।
इतने जगन्नाथ जी प्रसन्न रहते रथ यात्रा में, वो रस्सी को जो खींचते हैं, हमारा देश में जो रस्सी कौन खींच रहे हैं, ये गोपियां उनको राधा रानी अपना हृदय रूपी रथ में बैठाती है। रथ यात्रा है क्या जी, जब बड़े दिनों के बाद में कुरुक्षेत्र में जब ब्रजवासी लोग कृष्ण से मिले और राधा रानी कृष्ण से मिले, राधा रानी बोले हे श्याम सुंदर, आप भी वही श्याम सुंदर हो, मैं भी वही राधा रानी। लेकिन जब हम दोनों जमुना किनारे में मिलते थे, जहाँ पर बड़े सुंदर कलकल नाद से जमुना बह रही, जहाँ पर कोयल सुंदर कुहू रहे, जहाँ पर मयूर केका कर रहे हैं, जहाँ पर बेली चमेली जुली सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, जहाँ पर चंद्रमा का किरण छिटक रहा है, जहाँ पर अद्भुत दृश्य है, जब वहाँ पर निकुंज में जब हम मिलते थे, वो जो आनंद है, ये आनंद यहाँ पर नहीं। अगर यहाँ पर तो घोड़ा गाड़ी कोई ब्रज का भेष नहीं, बंसुरी नहीं, मयूर मुकुट नहीं, वृंदावन का कोई भेष ही नहीं, अब तो जैसे क्षत्रिय जैसे हैं आप पोशाक पहने हो, ब्रज का कोई भेष है ही नहीं। अगर हमें खुश करना चाहते हो, मेरी हृदय रूपी रथ में बैठो, हम आपको ले जाएंगे द्वारका से वृंदावन ले जाएंगे। जब जमुना किनारा में मिलेगा तभी आनंद मिलेगा। ये रथ यात्रा वो है, राधा रानी श्याम सुंदर को अपना हृदय रूपी रथ में ले बैठा करके और गोपियां उनको खींचते खींचते कहाँ ले जा रही है, वृंदावन ले जा रही है। इसलिए आप लोग सब के सब गोपी भाव से आना, ठीक है ना, और हम श्याम सुंदर को वृंदावन ले जा रहे हैं, राधा रानी हृदय में श्याम सुंदर को बैठा करके, ठीक है ना। कौन सा रंग की साड़ी पहन के रहा हूँ, पीली रंग की, ठीक है, और अकेले नहीं आना। क्या तू जो रस्सी का जो खींचते है ना, हमारे देश में जब वो रथ यात्रा हो जाते है ना, वो रस्सी को सबके सब रस्सी को तोड़ तोड़ करके एक जगह धागा ले जाते हैं। बोले क्यों, बोले रस्सी का इतने महत्व, जिस घर में वो रस्सी रहेगा कोई भूत पिशाच डाकिन साकिन वो घर में घुस नहीं सकता है, उसको ताबीज करके पहनते हैं, उल्टा पुल्टा कोई हवा नहीं लग जाती उसमें, और अगर कहीं कमर पवित्र को दर्द होना उसको रस्सी को बांधो वो सारी बीमारी सही हो जाती। बोले क्यों, वो रस्सी की ही इतने महत्व है, अगर वो रस्सी एक बार कोई पकड़ ले तो कहते संसार का जन्म मृत्यु का चक्कर से उसको मुक्ति मिल जाती है। बहुत महिमा श्री पृथ्वी का सबसे बड़ा जो यात्रा श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा है। इसलिए अब लोग अकेले नहीं आना, ठीक है ना, अपना अड़ोसी पड़ोसी को, हमने कल बताया था ना एक एक माताएं, कितने कितने माताओं को लेकर आओगे, आज लेकर के आए कि नहीं, आए कि नहीं। इसलिए उस दिन सब अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर के आना, इसलिए संडे का दिन रथ यात्रा हो रही है, ठीक है ना, संडे का दिन इसलिए रखे सबके सब लोग आ सके, उसका आनंद सबके सब, उसका आनंद सबके सब उठाए, ठीक है। ये परसों है रथ यात्रा, मैं कल जगन्नाथ जी की बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाऊंगा, जगन्नाथ है कौन, कहाँ से आए, क्यों ये रथ यात्रा हो रही है, ठीक है। और हमारे जितने भाई लोग माता है तो दुली दुली रंग की साड़ी पहनेंगे, आप लोग क्या बहन के गाओगे, हो सके कोशिश करना, अगर धोती अगर कुर्ता हो, अगर ये तो बहुत बढ़िया चीज है, कोशिश करना धोती कुर्ता हो तो अच्छी चीज है, अगर धोती कुर्ता नहीं हो ना कम से कम सफेद रंग का पैजामा और कुर्ता पहन करके आना सफेद रंग का, ठीक है ना, और बढ़िया सुंदर तिलक लगा करके, सबका ललाट में तिलक होनी चाहिए, ठीक है ना, बगैर तिलक के नहीं आना। इसलिए एक समय कोई एक स्टूडेंट महापुरुष को क्लास में बगैर तिलक के आ गए, महापुरुष को निकाल दिया, आज तुमने गुरु मंत्र जब नहीं किया, बगैर तिलक के आ गए हो, हैं? इसलिए तिलक का बड़ी महत्व है, कृष्ण को देखो, राम को देखो, हनुमान जी को देखो, नारायण को देखो, बगैर तिलक के ठाकुर भी नहीं रहते हैं। आप लोग तो हिंदू है, आपको पता है, जैसे कोई अच्छे बिजनेस में कोई जा रहे हो, अच्छे शुभ काम में, हम क्या करते हैं, तिलक लगा करके भेजते हैं। तिलक क्या है, विजय का लक्षण है, ये तिलक नहीं है विजय, जिस काम के लिए जा रहे हो अगर तिलक लगाओगे तो काम जरूर बनेगा। जैसे घर में कोई पुजारी पूजा करना के लिए आता है, सबसे पहले क्या करेगा, तिलक लगा करके पूजा करवाएगा, बगैर तिलक के पूजा नहीं करवाता है, ठीक है ना, सबके सब तिलक कंठी माला झोली और सर भेज करके, कोशिश करना सोने का कोई चीज पहन कर बताना, ठीक है ना, कोई सोने की चीज पहन कर बताओ, अगर कोई वैसे अलंकार हो, दूसरे चीज का अलंकार हो तो उसको पहन करके आओ, लेकिन सोने नहीं पहनना, फिर तो चैन चले जाएगा, फिर बेचैन से होकर जाओगे, ठीक है,
इसलिए अभी हमारे श्री जदुवर प्रभु की कथा सुनाएंगे। दामोदर प्रभु जी है बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब 2 तारीख को तो जगन्नाथ रथ यात्रा पर 3 तारीख को जन्माष्टमी। अब तो जानते हो जन्माष्टमी को हमारे कुछ माताएं बड़ी सुंदर सुंदर नाटक तैयार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर नाटक तैयार कर रहे हैं। उसी दिन रात 12 बजे से पहले ठाकुर का अभिषेक होगी और बड़े बड़े सुंदर सुंदर लीला दिखाएंगे। उसी दिन बड़े धूमधाम से हम जन्माष्टमी मनाएंगे। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय प्रदानाय कृष्णाय कृष्णवर्ताय प्रवर्ताय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोप करुणा तुरा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन सभी ब्रसभान सत देवी प्रमामी रहने पांचा कपरोच कृपा सिंधु वचन पति तनो पावन व्योग जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीनिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे पर जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 सर्व प्रथम मैं जित्री लाओ प्रविष्ट अष्टसत भक्ति विदान नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात अपनी संपूर्ण परंपरा के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। आसन प्रभुगण विराजमान श्री श्रीमद भक्ति विदान नारायण सिद्धांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। मेरे और यहाँ साधु लोग और बैठे हैं, मेरे गुरु भाई सबके और बाकी जितने माता बच्चे पिता कथा के सुनने के लिए आए सबके चरणों में मेरा यात्रा को प्रणाम है। हरे कृष्णा। कथा तो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी क्या करते हैं हम लोगों का बीच बीच में उत्साह बढ़ा। भगवान ने भगवत गीता में अपने जन्म और कर्मों की दिव्यता के बारे में बताया, जन्म कर्म च दिव्यम योगेत एक एक श्लोक बोला है उन्होंने और उन्होंने कहा है और हम जो ये सब जो कर रहे हैं उनका जन्म ही बना रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा डंके की चोट कि जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को जो एक बार तत्व सर जो समझ लेता है उसको फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता, दोबारा माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। देखो कितने विस्तार से व्यवस्था करी गई है, भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया लेकिन अब इसको समझना के जानते तो सब हैं, ऐसा कोई है जो न जानता हो। भगवान तो मथुरा में प्रकट हुए, वसुदेव जी के यहाँ, फिर गोकुल में आ गए और गोकुल में जब आ गए यशोदा मैया के यहाँ उन्होंने आलम पालन किया। और भगवान का जो जन्म होता है कोई साधारण नहीं होता है, या स्त्री पुरुष के संग से नहीं होता, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। इस जगत में कोई व्यक्ति ऐसा है वो कह सकता है कि मैं उसके घर में जन्म लूंगा, कर सकता है कोई नहीं। भगवान पहले ही चयन कर लेते हैं कि मैं वहां आऊंगा, तो ये सारी बात जन्म से पहले अपने माँ बाप को बता रहे हैं। अभी जन्म नहीं लिया वो अपने माँ बाप को बता रहे हैं कि तुमने पिछले जन्म में तपस्या करी इसलिए तुमने मेरे से वरदान मांगा कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र बनकर के आया, चूंकि मेरा जैसा और कोई जगत में दूसरा नहीं है। ये भगवान की जन्म की ये है। लेकिन गुरुदेव हमारे गुरुदेव और हम नारद जी जी संप्रदाय में है ये रसिक है, ये संप्रदाय कैसी है रसिक है। आपको यहाँ के जैसी कथा नहीं मिलेगी, ये ऊपर ऊपर की बातें तो बहुत जगह मिल जाएंगी लेकिन जो तत्व की बातें हैं वो केवल जो गौड़िया संप्रदाय जो चेतन महाप्रभु की जो धारा है उस धारा से जो लोग जुड़े हुए हैं वो तत्व की बात बताते हैं। तत्व कैसा है, कैसे भगवान कहते हैं कि जो तत्व से एक बार जान लेता है उसको दोबारा माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता और उसका दोबारा जन्म ही नहीं होता। जैसे ब्रज की गोपियां हैं, कृष्ण कहाँ रहते हैं वृंदावन,
ब्रज में रहते हैं, अब वो गाय चराने जाते हैं। जब गाय चराने जाते हैं तो यशोदा महारानी के महल में रहते हैं। ब्रज की जो गोपियां हैं, जो भक्तों की जो तमन्ना होती है, भक्तों का जो प्रेम होता है भगवान के प्रति, भगवान फिर क्या करते हैं, रहनी पाते अपने भक्तों के बिना, और उनके हृदय में जो कामना होती है वो पूरी कर देते हैं। ऐसी तत्व की कथाएं, जैसे ब्रज की गोपियां हैं, कृष्ण गाय चराने जा रहे हैं और गाय चराने जा रहे हैं तो वो ब्रज की गोपियां पहले से पहले खड़ी हो जाती हैं, कोई किवाड़ के पीछे, कोई खिड़की से, कोई दलान से, और कोई व्यक्ति जैसे जा रहा है तो कितना देर दर्शन कर सकते हो, कितना दर्शन कर सकते हो, वो इंतजार करती है कि सुबह कृष्ण जब गाय लेके आएंगे तो उनका दर्शन होंगे। अच्छा, उनका रूप ही ऐसा है कि जिसपे एक दृष्टि पड़ जाती है, उनका अंग ऐसा है, रूप ऐसा है कि जहां एक बार दृष्टि पड़ जाती है दूसरे अंग का दर्शन ही नहीं कर पाते। अलकों पे पड़ गई तो, कपोलों पे पड़ गई तो, जहां तक उनका जो पीतंबर है, पट्टा है, उस पर पड़ गई तो दूसरा दर्शन ही नहीं कर पाते। और वो जब कृष्ण सुबह जाते हैं और वो इंतजार करती है, बेचारी दर्शन हो गया फिर चले गए कहां, जंगल में। अब वो पूरे दिन चिंतन करती है, अरे अब शाम को कृष्ण फिर आएंगे, और जब कृष्ण फिर आएंगे वापस तो वो इंतजार करती है तब फिर दर्शन होगा। सारे दिन तो कहां ठाकुर जी चले गए, हमारे जंगल में चले गए। और ब्रज की जो गोपियां हैं वो तड़पती हैं कब आएंगे और कब उनका दर्शन होगा। और फिर वापस में जब गौधूली जब आते तो कितना दर्शन होगा, जब रास्ते में गाय लेके जा रहे हैं और खिड़की और जंगला से सब झांक रही हैं ब्रज की गोपियां, कितना दर्शन होगा। थोड़ा सा दर्शन होता है, एक दृष्टि पड़ी और बस निकल गए घर के द्वार के आगे से। फिर कहां चले गए, नंद भवन में चले गए। और नंद भवन में जब चले गए फिर मैया के अंदर किवाड़ बंद, पूरी रात वहां रहेंगे, फिर अगले सुबह का इंतजार कर रही हैं। और वो जब जब इतनी तड़फन हो गई कि पूरा दर्शन ही नहीं हो रहा, ये ठाकुर जी का पूरा दर्शन ही नहीं हो रहा, वो दिन कब, जब ऐसी कामना भक्तों के हृदय में आ जाती है कि ठाकुर जी का तेरे दर्शन तो हो जाए, पूरा दर्शन ही नहीं हम कर पा रहे, फिर भगवान क्या करते हैं, उन भक्तों की कामना पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, फिर गोवर्धन लीला करते हैं। केवल उन भक्तों की कामना, ब्रज की गोपियों की कामना पूर्ति करने के लिए इंद्र की क्या औकात है, सो भगवान को चैलेंज दे दे, दे सकता है क्या है? फिर वो लीला करते हैं, और लीला जब करते हैं तो सात दिन गोवर्धन धारण कर लेते हैं। भक्तों के हृदय की जो कामना थी ना दर्शन करने की, ठाकुर जी कहते हैं कि भाई कर लो, अब ना तुम जा सकते ना मैं जा सकता, और हाथ और ऊपर कर लिया नख से और पैरों तक कर लो। जब भक्त ऐसी कामना करते हैं हृदय में तब ठाकुर जी रह नहीं पाते, ये हमारी संप्रदाय में ये चीजें बताई जाती, ये तत्व है। जब ऐसी कामना जागृत हो जाती है, भगवान केवल भक्तों के लिए लीला करते हैं। जब इन तत्वों की बातों को अभी तो हमें कोई सुनाता ही नहीं है, सबसे बड़ी भाग्यशाली हमें कि हमें ऐसी संप्रदाय से जुड़ गई, और इस संप्रदाय के अलावा और कहीं ऐसी कथाएं नहीं मिलती। गुरुदेव जब स्टार्ट करते थे आत्मा से करते थे, और लास्ट में जाकर के कहां करते थे, ब्रज की जो गोपियां हैं वहीं करते थे। अब उनकी कामना है अगर कृष्ण का ऐसा रूप पति रूप में मिल जाते, कोई ब्रज की कह रही है कि मेरा लाला बन जाता, मेरा आचल पीता, कोई पति के रूप में कामना कर रही है, कोई बेटे के रूप में कामना कर रही है। और जब ऐसी कामना करती है ब्रज की गोपियां, ये लाला कितना सुंदर है, मेरा लाला मेरा बेटा बन जाता, मेरा आचल करता, तब ये ऐसी भक्ति जब कामनाएं करते हैं तो फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, फिर एक और लीला करते हैं, ब्रह्मा जी को मोह पैदा कर देते हैं। और जब ब्रह्मा जी को जब मोह पैदा करते हैं तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, गाय बछड़ों को चुरा करके ले जाते हैं। और जब गाय बछड़ों को जब चुरा के ले जाते हैं तो फिर क्या कर देते हैं, उनके गुरु कहते हैं अब वही कृष्ण गाय बन गए, बछड़े बन गए, और जो बाल गोपाल जितने ग्वाल है सब बाल ग्वाल बन गए। और जब ग्वाल बन गए, जब छोटे छोटे बच्चे गए मैया का क्या, अपने अपनी माँ का आचर पी रहे, जिन्होंने कहा कि कृष्ण अगर मेरा बेटा होता मैं इसको आचर पिलाती, तो ऐसे भक्तों की कामना पूर्ति करने के लिए कृष्ण जब ये लीला करते हैं तो वो ही कृष्ण जब क्या बन जाते हैं,
ग्वाल बन जाते हैं, और ग्वाल जब बन जाते हैं तो ग्वाल क्या फिर क्या करते हैं, वो अपनी माँ का आंचल पीते हैं और फिर कह देते हैं गुरु वरगा करके, बहुत अच्छा संयोग है, शादी करा दो। ये जो संयोग बनना है इस महीने का बहुत अच्छा है, आप समय शादी करा दो, फिर शादी करवा देते हैं। जिनकी ये कामना थी कि कृष्ण हमारे पति बने, उनकी शादी हो जाती है। ये ऐसी तत्व की कथाएं जब हम सुनते हैं तो भगवान कहते हैं कि ऐसे फिर व्यक्ति को दोबारा कभी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। महाराज जी कितनी सुंदर बात बता रहे थे, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी इसलिए रथ यात्रा इसलिए हुई, केवल ब्रज की जो गोपियां कि केवल कथाओं, ब्रज की गोपियों के साथ व्यवहार किया भगवान ने, लीलाएं करी, लेकिन वहां क्या हुआ, कथाएं। और वो वही कथाएं जब सुनते हैं कृष्ण तो फिर रह नहीं पाते, जैसे ब्रज में नहीं रह पाते, जो प्रेमी भक्त हैं उनके बिना नहीं रह पाते, वो जैसे जैसे कामना करते हैं, जैसे जैसे कामना करते हैं भगवान वैसी वैसी लीला करते रहते हैं। कभी गोवर्धन लीला कर देते हैं, कभी ब्रह्मा जी को मोह पैदा कर देते हैं। और भगवान कहते हैं जब तत्व से जब भगवान के जन्म और कर्मों की जो दिव्यता है, भगवान के जन्म और कर्म कैसे हैं, साधारण नहीं है, दिव्य। अब जैसे जन्माष्टमी मन रही है, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां जन्माष्टमी मन नहीं हो, मन नहीं है ना, मन नहीं। भगवान के काम राजसी लेवल पर होते हैं और भक्तों के लिए मधुर लीला होती है। तो इसलिए ये भगवान की कामना पूर्ति करने के लिए सब आते हैं। मैं एक चीज और मैं कह रहा हूं कि ये जो यहां ये जो कथा हो रही है हर साल होती है, और हर साल जब कथा होती है तो ये एक यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में ये नहीं देखा जाता कि ये आहुति देगा या वो आहुति देगा या वो आहुति देगा, यज्ञ में सबका अधिकार होता है। तो यही मेरी सबसे प्रार्थना है कि जो जो इस कथा में आए हैं सुनने के लिए और हर साल आते हैं, जो जैसी यज्ञ में जो डालते हैं अपनी आहुति, आहुति को मतलब समझ रहे हो ना, है भाई, गांवों में भी क्या होता है, अगर किसी का छप्पड़ होता है तो सब इकला को उठा लेगा क्या, उठा लेगा, सबको बुला लेते हैं ना, चलो भाई पता लगता है क्या, उसमें पता लगता है, काम हो जाता है। ऐसी सबसे मेरी एक प्रार्थना, कथा तो महाराज जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर जगन्नाथ रथ यात्रा भी सब होगी, ठीक है ना, बांछा का तुरुज कृपा से हाँ, हमारे एक प्रभु जी ये बम्बे से आए, ये गुरु जी की शिष्य है, ये बम्बे से आए, लेकिन ये उत्तरांचल के रहने वाले ब्राह्मण हैं, लेकिन इन्होंने कभी हीरो बनने की काम फिल्म में कभी कभी कोशिश की, हीरो बनने के लिए उन्होंने कोई सिनेमा भी बना है। ये जो प्रभु जी अलग अलग जगह पर भागवत कथा भी प्रभु सुनाते, थोड़ी सी आपको कथा सुनाएंगे। ओम ज्ञानधीरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्विपं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्रीगौरभक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक बार और, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्ण महामंत्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूजनीय परम आराध्यतम प्रातः स्मरणीय श्री नगुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत पूर्व आचार्यविंद गुरु परम्पराय अनंत कोटि वैष्णविंद के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत व्यासपीठासीन श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी एवं समस्त भक्तवृंद के चरण कमलों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हम आप सब अनंत कोटि जन्मों के सुकृति के कारण इस कथा मंडप में विराजमान हुए। हम सबका परम सौभाग्य है ऐसे रसिकाचार्य हमारे श्रीधर महाराज जी के श्रीमुख से हमें ये सुंदर कथा श्रवण करने का अवसर मिला। और आप तो परम परम भाग्यशाली हैं कि आप कई वर्षों से कथा श्रवण कर आपके गुरुदेव जी के श्रीमुख से आप निरंतर कथा सुन रहे हैं। आप में से बहुत से तो हमारे गुरु भाई गुरु बहन हैं श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं और अधिकांश आप श्रीधर महाराज जी के शिष्य हैं। तो आप सबका इस धारा में आना, इस चैतन्य महापुरुष की धारा में आना, इस गौड़ीय संप्रदाय में आना परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। ये सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है, इसमें शुद्ध भक्ति का ही ज्ञान दिया जाता है, इसमें शुद्धतम भक्ति जो है वो दी जाती है। शुद्धतम भक्ति क्या है? भगवान से प्रेम हो जाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी से हमें प्रेम हो जाना चाहिए, यही शुद्ध भक्ति है। इस भक्ति को ही यहाँ पर आप हम सब प्राप्त कर सकते हैं। आप कल से श्रवण कर रहे हैं, गुरुदेव सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का महात्म्य सुनाया है आपको। महात्म्य में आपको भगवान की भक्ति के प्राप्ति के लिए पहले एक बेस बनाया है। क्या कि इसका महात्म्य क्या है, महात्म्य अर्थात इसका महत्व क्या है, भागवत इतनी महत्वपूर्ण है तो क्यों है, इसका क्या मतलब है। धुंधकारी कथा सुनाई आपको कि एक प्रेत भी भगवत प्राप्ति को उसको भगवत प्राप्ति होगी। प्रेत जो उनमें पड़ा था, कष्ट पा रहा था, दुख पा रहा था, और उसने भी सुंदर सुंदर भागवत कथा श्रवण की तो भगवत धाम की प्राप्ति कर गया और भक्ति देवी का कष्ट दूर किया। नारद जी ने कथा का आयोजन कराया, भक्ति देवी जो बहुत दुखी थी, उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे और स्वयं युवती हो गई थी, एकदम जवान थी और बूढ़े हो गए थे दो पुत्र, दुखी थी बहुत। नारद जी आए थे, नारद जी से उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा कुछ सुनाइए कि मेरे दोनों पुत्र युवा हो जाएं। ये तो अच्छा नहीं लगता है कि माँ तो युवती है बिल्कुल और दो पुत्र बूढ़े हो गए। ये वृंदावन में है, जब वृंदावन में आई थी दक्षिण भारत से चलकर जब वृंदावन पहुंच गई थी भक्ति देवी, तो वहां आकर वो तो युवती हो गई थी और दोनों ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे, क्योंकि वृंदावन में तो सिर्फ प्रेम है, प्रेम और भक्ति है, ज्ञान वैराग्य का अधिक महत्व तो वहां पर नहीं है, वहां भक्ति ही है। इसलिए भक्ति तो उसमें तो नाराज ने कथा सुनाई, सारी व्यवस्था करी, कथा सुन के वो दोनों पुत्र भी युवा हो गए और फिर आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए और नाचने लग गए, कीर्तन मंडप में नाचने लगे, सब आनंद में आ गए, सब प्रसन्न हो गए और गाने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण Hare Krishna Govinda Hare Murari Hare Radha Narayana Vasudeva Hare Krishna Govinda Hare Murari Hare Radha Narayana Vasudeva Hare Krishna Govinda Hare Murari Hare Radha Narayana Vasudeva
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ तारा जन वासुदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जीत प्रभु हो तो इधर आ जाओ आप इधर बोले हरे कृष्ण महामंत्र की कुछ कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम सभी हाथ उठा के एक बार बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम मैं छोटी सी कथा सुनाकर फिर ये दो चार अनाउंसमेंट ये बताना पड़ेगा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। देखो अभी हम लोग सब भागवत कथा सुन रहे हैं, हम लोग भगवान के विषय में कथा सुन रहे हैं। अब एक बड़ी छोटी सी कथा सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी सी, अकबर बीरबल की, ठीक है। तो इस कथा में हम सीखेंगे कि भगवान कौन है। अभी आप देखो सब बोलते हैं, देखो ये प्रश्न है कि भगवान तो बड़े शक्तिशाली है, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो ये दुष्टों का संहार करने के लिए, ये छोटे छोटे काम करने के लिए भगवान खुद क्यों आते हैं? अपना ऐसे चुटकी बजाओ और सब काम हो जाने चाहिए। क्यों भगवान आते हैं, कृष्ण स्वयं क्यों राम आते हैं, ये प्रश्न नहीं है? अच्छा प्रश्न है। तो एक बार यही प्रश्न अकबर ने बीरबल से पूछा, बोला बीरबल एक बात बताओ, देखो हमारे तो भगवान की कोई शक्ल सूरत कुछ है नहीं, वो तो एक ज्योति है, एक ब्रह्म है। अब तुम्हारे भगवान देखो राम कृष्ण, तुम बोलते हो कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तुम ही सर्व ईश्वर ईश्वर, और तुम्हारे भगवान को खुद आना पड़ता है। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे भगवान खुद क्यों आते हैं? वो चाहे तो किसी से भी यूं करके अपना काम करवा दे, दुष्टों को एक चुटकी में मार दे, तुम खुद क्यों आते हैं तुम्हारे भगवान? तो बीरबल बोला हाँ ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा, इसका उत्तर मैं कल दूंगा, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। तो कल जब सुबह सुबह बीरबल तुरंत दरबार में आ जाता है, बोला महाराज चलो चलो मेरे को आपको एक बड़ी जरूरी चीज दिखानी है। तो अकबर बोलता है क्या दिखाना है? बोला आपने कल प्रश्न पूछा था ना, उसी का उत्तर मुझे आपको देना है, लेकिन उत्तर देने के लिए ना मुझे आपको नदी के बीच में ले जाना पड़ेगा, नदी के बीच में ले जाना पड़ेगा। तो अकबर बोला नदी के बीच में उत्तर देगा, पागल हो गया क्या? बोले हाँ वहीं पर ही उत्तर मिलेगा। तो बोला चलो। तो उसने क्या करा, एक नाव करी, नाव में उसके चार सैनिक, क्योंकि राजा है, राजा के तो चार सैनिक साथ चलते हैं ना, चार सैनिक। तो उसने बोला महाराज आप चल रहे हो, अपने बेटे को भी ले चलो, इसी बारी नदी की सैर कर लेगा। तो अकबर ने अपने बेटे को भी ले लिया। अब नाव में कौन कौन है बताइए? एक अकबर, एक बीरबल, चार सैनिक और एक उसका बेटा, राजा का बेटा। अब नाव चली चली और नदी के बीच में आ गई, नदी के बीच में आ गई। तो बीरबल ने बोला देख बेटा देख मछली, छोटा बच्चा है ना, तो देख मछली मछली मछली, जैसे उसने देखा धक्का मार दिया, पानी में गिरा दिया। जैसे ही पानी में गिरा दिया तो अकबर तुरंत कूदा, जो कवच ववच पहना था सब उतारा, तुरंत पानी में कूदा और बच्चे को निकाल के लाके और बीरबल की गर्दन पे तलवार रख दी। बोला दुष्ट तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करी? तो बोला महाराज मैं मार थोड़ी ना रहा था, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था।
तो बोला उत्तर दे रहा था? बोला मूर्ख है, कैसे उत्तर दे रहा था? बोला देखो चार चार संतरी यहाँ पे खड़े थे, मैं आपका सेनापति यहाँ पे खड़ा था, मैं आपका जो आपका नौकर हूँ मैं यहाँ पे खड़ा था, आपने मुझको आज्ञा नहीं दी, आपने चार संतरियों का आज्ञा नहीं दी, आप स्वयं कूद गए। क्यों? क्योंकि ये आपका बेटा है, इसलिए हम भगवान की संतान है। ममे वांस जीव लोक जीव भूत सनातन। इसीलिए जब जब भक्तों पर कोई कष्ट होता है तो भगवान किसी और को नहीं भेजते, स्वयं आ जाते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थानाय संभवामी युगे युगे। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण है उनकी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो भागवत कथा, इसमें बैठ बैठ के भगवान की कथा का श्रवण करने बड़े सौभाग्यशाली है। तो इसमें दो चार अनाउंसमेंट करना था। तो इसमें अनाउंसमेंट ये है कि जो कृष्ण जन्माष्टमी है और जो कल भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा है, परसों जो 2 तारीख को, हाँ परसों भगवान की जगन्नाथ यात्रा है और 3 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इसमें भगवान को 56 भोग लगेगा दोनों दिन, जगन्नाथ जी को भी और कृष्ण को भी। तो जो जो माताएं हैं जो भगवान के 56 भोग बना के लाना चाहती है, वो बाहर हमारी जो अनुशर्मा माता जी है वो बैठे हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हो, उनसे आप स्लिप ले सकते हो कि कौन क्या क्या बना के लेके आएगा। सब चीज सब हलवा बना के ले आएंगे तो क्या हलवा 56 भोग हो जाएगा क्या? नहीं, सब अलग अलग कुछ कुछ बना के लाएंगे। और भगवान की ये जो 56 भोग है कृष्ण स्वयं बताए, उसमें एक अन्न का दाना अगर कोई दे दिया किसी जीवन में, उसके घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं, ये गिरिराज स्वयं ये बात नहीं बताए। इसलिए अन्न गुड़ी सुदामा कृष्ण क्या दे बताओ, 2 मुठी चिड़वा तो दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया। इसलिए वहाँ पर माता जी हाँ हर चीज का नाम लिख करके पर्चा रखे, इसलिए आप लोग एक एक पर्चा लेना, ठीक है? और पर्चा में जिसको भाग्य में जो मिले आएगा, वो पर्चा में जो लिखा हुआ होगा आप वही चीज ही बना करके ठाकुर जी के लिए लाना। जगन्नाथ जी रथ यात्रा का दिन जब ठाकुर जी रथ में जाएंगे उसी दिन भी भोग लगेगा, फिर जब यहाँ पर कृष्ण का जन्मोत्सव में है वहाँ पर भी उसी दिन भी ठाकुर जी को कुछ चीज भोग लगेगी। इसलिए आप लोग पर्चा लेकर के पर्चा में जो कुछ होगा जो लिखा हुआ होगा वही चीज ही बना करके लाना। और अगर कोई ये जो भागवत का जो आयोजन हो रहा है बड़ा विशाल आयोजन हो रहा है, इसमें आप और भी लोगों को लेके आइए अपने साथ में, और भी लोगों को लेके आइए, बाहर स्क्रीन लग गया है और बाहर आज सब लोग बैठ के कथा को सुन रहे हैं, तो आप जितने भी लोग लेके आएंगे ये भगवान का हृदय और हमारे गुरु जी का हृदय बहुत बड़ा है, इसमें हजारों करोड़ों लोग भी समा सकते हैं। आप कितने भी लोगों को आएंगे सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, और अगर कोई इसके अंदर कोई डोनेशन देना चाहता है, कोई दान देना चाहता है अन्न का या फिर पैसे का, तो बाहर जो स्टॉल पे अनु दीदी बैठी हुई है, हमारे शर्माई सर बैठे हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? और आज बाहर एक व्यवस्था करी गई है, बाहर बुक स्टॉल लगाई है, हमारे जो गुरु जी ने और जो हमारे जो इतने बड़े बड़े आचार्य हैं उन्होंने ग्रंथों की रचना करी है, तो सारे बुकों की बाहर स्टॉल लगी हुई है। तो हम जितने भी पुराने भक्त हैं हम सबसे निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो ग्रंथ है, जैसे कि आप जानना चाहते हो, सब लोग कुछ लोग बोलते हैं कि शिव जी भगवान है, कुछ लोग बोलते हैं शिव जी भगवान है, और यहाँ बोलोगे वैष्णव नाम यथाशम भगवान, तो शिव जी तो भगवान के सबसे सुंदर वैष्णव है, सेवक है, तो ये तो बड़ा, ये तो दुविधा हो गई, इसको कैसे समझे, तो पढ़ना पड़ेगा। तो बाहर शिव तत्व के ऊपर एक ग्रंथ गुरु जी ने बड़ा सुंदर एक ग्रंथ रखा है, वो ग्रंथ वहाँ उपलब्ध है। हमारे कितने सुंदर सुंदर गौड़ीय कीर्तन है, आप सब सुनते हो ना, कितने सुंदर सुंदर गौड़ीय कीर्तन है, तो गौड़ी कीर्ति कुछ बाहर उपलब्ध है, आप उसको खरीद सकते हैं, बच्चों को ग्रंथ सिखा सकते हैं। और छोटे छोटे ग्रंथ जैसे भक्त प्रहलाद, फियरलेस प्रिंस, हाउ टू लव कृष्ण, ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें हैं जिनको लेकर आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं। और जैसे कोई सीखना चाहता है तिलक कैसे लगाना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, भगवान का अर्चन कैसे करना चाहिए, तो अर्चन दीदी का एक बड़ी सुंदर पुस्तक है, वो उपलब्ध है। ऐसे करके जितनी भी किताबें हैं सब वहाँ पे उपलब्ध है। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जब तक किताबें पढ़कर सीखने का प्रयास नहीं करते, जैसे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में सिर्फ मैडम पढ़ाती थोड़ी ना, किताबें भी खरीदना पड़ता सब करना पड़ता है, जब तक किताब लेके पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे नहीं, जब तक इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए सारी ग्रंथ अवेलेबल, हमारे गुरु जी ने बड़े इतने वृद्ध अवस्था में बैठ बैठ कर गर्दन में दर्द होने पर भी उन ग्रंथों की रचना करी है, इसलिए वो ग्रंथों को पढ़ना हमारा धर्म है, हमें पढ़ना ही चाहिए। इसलिए आप सभी जो भी हो थोड़ी थोड़ी किताबें जरूर सब लेके जाना, 10 रुपए की 20 रुपए की बड़ी सस्ती सस्ती किताबें सब लेके जाइए, लेकिन उसमें बात बड़ी विशेष है, इसलिए जरूर उनको लेके जाइएगा।
और हमारे गुरु जी की एक भागवत पत्रिका है जो हर महीने आती है, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए भी बाहर आप स्टॉल पर संपर्क कर सकते हैं। और आज के प्रसाद की व्यवस्था अभी गुरु जी बता रहे थे ना कि कैसे सुदामा ने एक चिड़वा भगवान को, बस कुछ मुट्ठी चावल भगवान को दिए और भगवान ने उसको त्रिभुवन का राज्य दिया। किसको? सुदामा। इसलिए हमें जो भी जीवन में करते हैं भगवान को भोग लगा के प्राप्त करना चाहिए। जब कृष्ण और सुदामा को लकड़ी लाने जंगल में भेजा तो माता जी, सुदामा की जो माता जी थी गुरु माँ, उन्होंने कुछ एक चने दिए थे, बोला कि बांट के खा लेना। और सुदामा ने अकेले खा लिए, अकेले खा लिए तो कितने दिनों तक उसको दरिद्रता का सामना करना पड़ा। लेकिन जब वही सुदामा जब कुछ मुट्ठी चिड़वा लेके भगवान के पास जाता, भगवान को देता है, तो एक मुट्ठी खाते भगवान उसको त्रिभुवन का राज्य देते हैं। ठीक है, तो कैसे भगवान दयालु है। एक 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 दाना कोई पत्रम पुष्पम फलम तो है, जो भगवान को अगर पत्र पुष्प फल या पानी भी देता है तो भगवान उसको जीवन भर देते हैं। ये तो भगवान का बड़ा आयोजन हो रहा है, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आप सौभाग्यशाली। और आज सुबह से जो सेमिनार बच्चों के लिए था वो प्रारंभ हो गया है और बड़ा सुंदर आज सुबह सेमिनार हुआ और उसके अंदर बड़ी विशेष विशेष बातों को बताया। कुछ बच्चों ने प्रश्न भी पूछे और उनके उत्तर भी दिए। लेकिन कल है सैटरडे और संडे, छुट्टी का दिन है, कल सबकी छुट्टी है, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने बच्चों को भेजो। आप जानने का कोशिश करो कि वास्तव में ये है क्या, चल क्या है, ये सब कोई भ्रम नहीं है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं बोले ये जो हिंदू लोग ये जो पूजा पाठ करते हैं ना, ये लोग सब मूर्ख हैं, इनको पता नहीं है, भगवान तो निराकार है, भगवान ने तो रूप थोड़ी ना है, भगवान कोई रूप हो सकता है, ऐसे करके सब फालतू की बातें करते। अगर आप बच्चों को बोलोगे कि ऐसा करो तो बच्चे बोलेंगे क्या मम्मी देखो हमारी किताब में तो लिखा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो लिखा है सब साइंस ही सब कुछ है, और आप बोल रहे हो कि सर भगवान ने बनाया, यहाँ तो लिखा है केमिकल कॉम्बिनेशन डार्विन की थ्योरी ये लिखा हुआ है। फिर आप कैसे समझाओगे उनको कि हम जो बोल रहे हैं भागवत में जो लिखा है, गीता में जो लिखा है, ये बात सच है। इसको बताने के लिए आपको भी तो कुछ पता होना चाहिए ना। तो उसको सब सिखाएंगे ग्रंथों से सब श्लोकों को निकाला। और जो कल हमारे प्रभु जी हैं वो आईआईटी दिल्ली के एक इंजीनियर, उनका नाम है नीरज प्रभु जी, कल बड़े विशेष स्पीकर आने वाले, वो आएंगे और वो इन सभी चीज़ों के बारे में बड़े विस्तार में आप सबको समझाएंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। और आप सब सुने समझे और विशेष करके अपने बच्चों को जरूर भेजें। अगर बच्चों को भेजेंगे नहीं और अगर वो सीखेंगे नहीं, देखो हमारा जो भारतीय आयुर्वेद है ना, हमारा जो भारतीय विज्ञान है, वो बोलता है 7 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग में जो डाल दो वो जीवन भर उसकी छाप जीवन भर रहेगी, भले सूक्ष्म अवस्था में रहेगी लेकिन जीवन भर। इसलिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में ही बच्चे बिगड़ते जाते हैं, अगर हम स्कूल के बच्चों को लाकर, कॉलेज के बच्चों को लाकर अगर ठीक ठीक बात हमारे धर्मशास्त्र की बताएंगे कि देखो राम जी का चरित्र क्या है, प्रातः काल उठे रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, कि जो राम जी स्वयं परब्रह्म है लेकिन क्या शिक्षा देते हैं कि सुबह उठ के माता पिता की और गुरु की चरण स्पर्श। कौन 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 चरण छूते हैं, हाथ उठाओगे? मैं तो कुछ नहीं छूता हरे कृष्ण। इसलिए जब नहीं छूते हो कल से शुरू कर देना, क्योंकि अब से तो बच्चे सीखेंगे ना, अगर आप भी छुओगे तो बच्चे भी आपका चरण छुएंगे, ठीक है ना। कल से सबके सब पिता माता के चरण छू कर जाना, कल मैं पूछूंगा कौन कौन छुए हो, ठीक है। देखो पिता माता का कृपा हो ना, उनका आशीर्वाद से सब कुछ मिल सकता है, ये भाग्य रेखा भी ब्रह्मा जी बदला देते हैं पिता माता की अगर आशीर्वाद हो, हैं। इसलिए पहले पिता माता के चरण हमें छूनी चाहिए, गुरुजनों को हमें आदर देनी चाहिए, ठीक है ना। सबके सब बच्चों देखो, जितने बच्चे सबके सब सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण जरूर छुआ कर, ठीक है। देखो आपने सबने महाभारत की कथा सुनी है ना, आपने सबने भीष्म पितामह जी का नाम सुना है, वो 12 महाजन में से एक है। जब ही उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए, अपने पिता की खुशी के लिए, जब उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का जब उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि बोला मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, जब प्रतिज्ञा करी क्यों, अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए, अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण ले लिया और इतनी कठोर प्रतिज्ञा की बिजली कड़कने लगी। आप सबने महाभारत देखी है, बिजली कड़कने लगी और एक ही और उस प्रतिज्ञा को बोला गया भीष्म प्रतिज्ञा, जिसका कोई नहीं तोड़ सकता। भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी युद्ध के मैदान में कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने बोला था कि जब शस्त्र उठवाऊं तभी शांतनु पुत्र कहूं, शस्त्र उठवा लूंगा, और भगवान जो है शस्त्र उठा के मारने दौड़े।
भगवान ने भक्त की वचन की रक्षा करी और अपना वचन तोड़ा। तो ऐसे जब भीष्म पितामह ने जब आजीवन ब्रह्मचर्य की जब प्रतिज्ञा करी तो उनके पिता शांतनु महाराज उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोला ऐसा पुत्र न भूतो न भविष्यति, ऐसा पुत्र नहीं होगा। बोला पुत्र जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, जब तुम्हारी इच्छा होगी जब तुम इस शरीर को छोड़ोगे। देखो माता पिता यहाँ तक का आशीर्वाद दे सकते थे, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, अभी मैंने बताया था कि शास्त्रों में। और ये भीष्म पितामह ने आगे जाके भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करी, हमारे गुरु जी इसको भी आगे चल के बताएंगे। और ये जो भगवान की जो कथा चल रही है इसके अंदर रोज आप सबके सहयोग से प्रसाद की व्यवस्था है और बड़े सुचारू रूप से चल रही है। तो आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है ये हमारे एक कृष्ण नगर माता जी है झुलपुरा गांव से, उन्होंने ये प्रसाद की व्यवस्था करी है। और हमारे कुछ अशोक नगर के भक्त हैं उन्होंने सबने मिलकर इस प्रसाद की व्यवस्था करी है। तो इन्होंने ये जो भगवान की सेवा में इनकी रुचि है आप लोग सब जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और ये आरती के बाद आएंगे तो महाराज जी से आशीर्वाद देंगे और आरती करेंगे। हाँ, इनको ठाकुर जी आशीर्वाद दें, खूब फल के फूल जीवन में सुखी रहे। इसलिए आप लोग अगर किसकी इच्छा होगी हम भी कुछ मदद करेंगे, अकेले नहीं थोड़ा 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 जितना तुमसे संभव हो, क्योंकि ठाकुर को भोग लगेगा, भक्तों का प्रसाद है, भक्त लोगों को पाएंगे प्रसाद, सबका आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसलिए अगर कोई देना चाहते हो हमारे प्रभु जी को नहीं, प्रभु भाष शर्मा ही सर है, महेश्वरी प्रभु है, यदुनंदन प्रभु है, ठीक है, सबसे कॉन्टेक्ट कर सकते ठीक है। और जब प्रसाद कोई भी यहाँ पे अंदर में बैठ के, यहाँ भागवत कथा होती है ना, बाहर से कोई प्रसाद लाके अंदर में बैठ के नहीं खाएंगे, यहाँ झूठा होने से पाप लगेगा। तो बाहर प्रसाद पाके और बाहर डस्टबिन रखा हुआ है, एक इधर इधर रखा हुआ है और एक जहाँ पीछे गाड़ी पार्किंग है वहाँ डस्टबिन रखा हुआ है, उसमें फेंकेंगे। स्वच्छता अभियान चल रहा है ना मोदी जी का, तो हम भी उसमें सहयोग करेंगे। तो सब वहाँ पर फेंकेंगे, कचरा वहाँ पर फेंकेंगे और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएंगे, औरों को भी लेके आएंगे। जो देखो हमारे माँ बाप बचपन से एक बात सिखाते कि अकेले नहीं खाना चाहिए, क्या बांट के खाना चाहिए। और ये जो भागवत है ये है निगम कल्पतरुर गलितम फलम, ये गलितम फलम है, ये भी एक फल है, इसको पिया जाता है काम से। तो इसको भी हमें अकेले नहीं खाना चाहिए, इसे हमें बांट के खाना चाहिए। इसलिए जितने लोगों से आप संपर्क में हैं, अगर बहू आती है तो सासू माँ को लेके आओ, सासू माँ आती है तो बहू बेटे सबको लेके आओ, सब मिलजुल के आओ। ये एक फेस्टिवल है, बड़ा अच्छा लगता है हमको, 3-4 साल से देख रहे हैं यार, 7-7 दिन तक ऐसा लगता है जैसे उत्सव चल रहा है, नाचना गाना खाना इसके अलावा कोई काम नहीं। इसे सब लोग खड़े हो जाओ, अभी प्रभु जी एक भजन गाएंगे और सब के सब नाच रहे हैं, ठीक है ना। देखो बोलते ना पार्टी में, चलो पार्टी में 3 काम बोलता है, डांसिंग, ईटिंग और सिंगिंग। इसलिए डांसिंग, ईटिंग और सिंगिंग, अभी प्रभु जी भजन गाएंगे, जिसने नाचने का है इसे सबके सब कीर्तन में नाचना, फिर आरती होगी प्रसाद रहेगा। I'm not afraid of the dark.
बजता है, हम लोग कोई नाच नहीं है, अरे सभी मिल के नाचो, कम से कम थोड़ा कमाई का और जितना भूख लगेगा प्रसाद मिलना, जितने नाचेंगे उनके भूख लगेगी, मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे नाचेंगे तो, और जो पतले हैं वो मोटे होंगे, इसलिए जमीनों हो जिनको जाते हैं Oh,
प्रसाद दिए, आप सामने आ जाओ, आरत के पास में आ जाओ और दो तीन थाला में आरत लगाओ, दो दो तीन थाला में आरत, तीन या ना तीन जगह जिन जिन भक्तों ने प्रसाद के लिए कुछ दिए हो सामने आ जाओ और ठाकुर जी आरत लगाओ। शेर भागवत भगवान की आरती आदियों का नाम है, भागवत भगवान की आदियों का नाम है, अमर ग्रंथ है भक्ति ग्रंथ है, चंदे दिन
हाथ उठाओ कि माइक का साउंड थोड़ा तेज कर दो, माइक का साउंड थोड़ा तेज करो, अरे माइक वाले तेज करो। बोलो हरि बोल हरि बोल, 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 हरि I'm gonna go to the hospital.
ना 14 दिन में जन्म लेंगे ना, सबको नाचना पड़ेगा, इसलिए आज से आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे, जैसे कृष्ण जन्मोत्सव में सबको सब नाचना, ठीक है।